रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमेज़न के जंगलों में एक चींटी पाई जाती है, द बुलेट एंट। द बुलेट एंट्स बाइट लास्ट्स फॉर 24 आवर्स, और दुनिया में इससे ज़्यादा दर्द और किसी चीज़ से नहीं होता। वहाँ के ट्राइब्स में एक रिचुअल है, फॉर अ बॉय टू बिकम अ वॉरियर, उसे सबसे पहले अपने हाथ इन बुलेट एंट्स के बिल में डालने पड़ते हैं। अगर उसने बिना रोए बिना टूटे ये दर्द बर्दाश्त कर लिया, देन ही बिकम्स अ वॉरियर। आपने हमेशा मुझसे कहा कि तू मेरी बेटी है, बेटा बनने की कोशिश मत कर। पर पापा, आप भूल गए कि मैं आपकी बेटी। मैंने हर बार तू ये नहीं कर सकती को मैं बिल्कुल कर सकती हूँ मैं बदला है। आई लव यू पापा, पर अब बिल में हाथ डालने का वक्त आ गया है। ब्रिंग ऑन द बुलेट एंट्स। पार्टी सावधान, साफ बैंड पोजीशन, 100 पुशअप्स। 1, 2, 3। मैं नायब सूबेदार कृपाल भट्टी हूं। अगले कुछ महीने आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने होने वाले हैं। 10। हमारा एक ही मकसद है, 11,
आपको यहाँ तबीयत से तोड़ना। सारी इंडियन आर्मी में से आप 24 लोगों ने आने की हिम्मत की। अपने साथ वाले बंदे को ध्यान से देखें और एक बार दिल से जयंत कर दें, क्योंकि कोर्स में जल्दी या तो वो नहीं रहने वाला और या आप। और जो बचेंगे उन्हें मौका मिलेगा नाम, नमक और निशान के लिए लड़ने का। बहुत सेक्सी है than a woman in a uniform. What? हर बैच में एक नमूना होता है, जो समझता है कि वो बाकियों ज्यादा तेज है। आपने कुछ कहा साहब? नो उस्ताद। आप जो सोचते भी हो ना वो भी मैं सुन लेता हूँ, और उसके साथ एक चमचा और पंजाब पुशअप करने हैं। नहीं उस्ताद। बेहतर हल्का बैच तो आज तक नहीं है। बस में बिठा के वापस भेज दूं क्या? इधर फॉरन। We don't want you. Let me repeat that. We do not want you. You all feel that you are good enough to be the elite of the elites, don't you? बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए लगातार ऑपरेट करने के आप काबिल हैं। दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता उतना दर्द सहने के आप काबिल हैं। अपना वजूद खोकर देश का वजूद रखने के आप काबिल हैं। क्या आप इस मरून बेरे के काबिल हैं? Yes, sir! Bullshit! Bullshit! Look at you. साहब आप वो फॉर्म्स लाए हैं? जी सर, हमेशा। ये आपके नॉन वॉलंटियर फॉर्म्स हैं, इस पे साइन कीजिए और अपने यूनिट्स वापस चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। ओके, वन बाय वन प्लीज। So you all have guts to prove me wrong. Yes, yes, sir! You want to enter hell? Yes, sir! You want me to give you the chance? Yes, yes, sir! अब तक आप लोग मद्रास रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या आर्टिलरी से थे, लेकिन इसके बाद आपकी एक ही आइडेंटिटी होगी। यू आर nobody. Were you winking at me? No, sir. Were you eyeballing me? No, sir. There was a fly, sir. Captain Bilal Siddiqui, सुना है कि लखनऊ के कबाब और नवाब दोनों बहुत नाजुक होते हैं, सच है क्या? No, sir.
better prove me wrong. What's written on the wall? Read what is written on the wall. We make men out of boys. We make men out of boys. What would I make out of you? What would I make out of you? Commando, sir. MOD के मीटिंग के चक्कर में हमें इसमें कॉल गेम दिस मॉर्निंग एंड गॉड लो नोज आज कौन सा बॉम्ब गिराने वाली हम पे फाइटिंग विद अ पॉलिटिशियन इज लाइक रेसलिंग विद अ पिग इन द मड इवन इफ यू विन यू लूज व्हाट इज दिस अबाउट मॉर्निंग मैम मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग Thank you for coming, generals. Madam, क्या ये meeting 7th pay commission के anomalies के बारे में है या कुछ और है, General Raman? कुछ जो शायद इनसे भी ज़्यादा अहम है. As you are aware, on February 23rd, 2016, President Pranab Mukherjee ने Parliament में announce किया था कि अब औरतें भी combat roles में induct की जाएंगी. मैम कुछ चीज़ों को अनाउंस करना आसान होता है पर उनको एनफोर्स करना उतना ही मुश्किल होता है नेवी और एयरफोर्स में ऑलरेडी कॉम्बैट रोल्स में लेडी ऑफिसर्स आ चुके हैं जी मैम एज फार एज द IAF एंड नेवी गो यू कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस मैम एक फाइटर पायलट सिर्फ अपनी ही जान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या होती है मगर एक टैंक में जहाँ चार लोग इतनी सी जगह में रहते हैं They eat together, sleep together. They, pardon my French, madam. They even piss together. अब वहाँ एक lady एक आप क्या कहना चाह रहे हैं, General Raman? कि एक औरत उस level का stress नहीं handle कर सकती, या वो ऐसे physical conditions को झेल नहीं सकती? Ma'am, जंग के मैदान में आप सोचिए, अगर किसी lady officer के साथ कुछ untoward हो गया, तो क्या करेंगे हम? उसकी सिक्योरिटी देखेंगे या देश की ऐसा क्यों है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस जैसे देशों ने ये बात नहीं सोची जब उन्होंने औरतों को कॉम्बैट रोल्स में एक्सेप्ट किया उनके और हमारे सर्विंग कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं जिस बैकग्राउंड से हमारे जवान आते हैं उन्होंने जिंदगी में अपनी माँ बहन या अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ इंटरेक्शन तक नहीं किया है मैम ड्यूरिंग अ कॉम्बैट ऑपरेशन स्ट्रेस लेवल्स पहले से बहुत हाई होते हैं तो हम क्यों उसमें एक और टेंशन का लेयर ऐड करें ये आपका ओपिनियन है फैक्ट नहीं है आई एम नॉट सेइंग कि आसान होने वाला है नहीं शुरू शुरू में ये बदलाव काफी मुश्किल होंगे बट दिस इज द फ्यूचर जनरल्स और फ्यूचर ही नहीं अपना इतिहास उठा के देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपनी पीठ पे अपने बच्चे को बांध कर भी जंग लड़ी थी मैम अगर सवाल है कि मर्द और औरत इक्वल है तो मैं कहूंगा एब्सोल्युटली इनफैक्ट औरतें डोंट पेट्रोनाइज मी जनरल रमन औरतें क्या और क्या नहीं कर सकती मुझे मत सिखाइए फेयर इनफ मैम बट देयर इज आल्सो द इशू ऑफ कैप्चर अगर लेडी ऑफिसर्स कैप्चर हो गई तो उन्हें जिस तरह से फिजिकल टॉर्चर झेलना पड़ेगा आप वाकिफ है ना उससे यू हैव अ पॉइंट पर देशभक्ति जेंडर देखकर तो नहीं आती और जो एक मर्द सह सकता है वो एक औरत भी सहेगी व्हाट इज दैट हार्वर्ड स्टडी यस मैम जेंटलमैन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कि एक स्टडी के अनुसार ह्यूमन बॉडी सिर्फ 45 यूनिट्स ऑफ पेन ही झेल सकता है पर जब एक औरत बच्चा पैदा कर रही होती है उस वक्त शी फील्स अप टू 57 यूनिट्स ऑफ पेन जैसे कि आपकी बॉडी की 20 हड्डियां एक साथ एक ही वक्त क्रश कर दी जाए यही तो प्रॉब्लम है विकिपीडिया के दो आर्टिकल्स व्हाट्सएप का एक फॉरवर्ड और सारी दुनिया किसी भी बात को सच मानने लग जाती है मैम जब कुछ टूटा ही नहीं है तो हम उसे जोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह आर्मी भी बदलाव से कतराती है एंड जनरल बेदी अब तो नक्सलाइट्स और जिहादीज भी औरतों को रिक्रूट कर रहे हैं हाँ और वो तो 5 साल के बच्चों को भी रिक्रूट करते हैं तो क्या हम भी वो शुरू कर दें जनरल बेदी मैम
मैम, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज रीड जस्टिस खेतान्स रिपोर्ट. वो भी इस मामले में काफी इनकंक्लूसिव थी. आई बेग योर पार्डन मैम, लेकिन आर्मी पॉलिटिक्स नहीं है. यहाँ रिजर्वेशन से कोई भी चीज मिल सकती है. एंड द फैक्ट दैट वी हैव मैनेज्ड टू मेंटेन सच अ हाई स्टैंडर्ड इज बिकॉज हमारे यहाँ सिर्फ एक ही बेसिस है और वो है मेरिट. आई एग्री. कैप्टन शिखर शर्मा, एज 28, आर्मी ब्रैट, स्टेट 5000 मीटर्स एंड 10000 मीटर्स चैंपियन, वर्ल्ड क्लास ट्रायथलीट, अकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था. सर्विंग इन मिलिट्री इंटेलिजेंस, करंटली स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कोर्स के लिए वॉलंटियर किया है. आप आज तक के इनके सारे ACRs देख लीजिए. आपको क्या लगता है, हमें कैप्टन शिखर शर्मा को चांस देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए. गुड, बिकॉज इनका नाम एक्चुअली कैप्टन शिखर शर्मा नहीं है, शिखा शर्मा है. और अगर कैप्टन शिखा शर्मा ने ये स्पेशल फोर्सेस का कमांडो कोर्स पास कर लिया, तो यू विल हैव टू ओपन योर गेट्स जेंटलमैन टू मोर वेमेन. And to battles, not between the sexes, but battles that shall be fought together. Captain Shikha Sharma banengi hamari test case. Isse kehte hai surgical strike. I can't see the forge being butchered like this in the name of gender politics. I'm putting my papers on. Arre, relax, Bedi. A good golfer has the determination to win and the patience to wait for breaks. Ye special forces hai, koi picnic nahi. आपका पिट्ठू आपकी दूसरी चमड़ी है. बंदूक शरीर का हिस्सा, ये दोनों ही चीजें हर वक्त आपके साथ होनी चाहिए. फिर चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, हग रहे हो. समझ में आया? जोरनाल के लिए अलग से इंतजाम है. अब आप बाकी साहब लोगों के साथ तो नहीं रहेंगी ना? सर, आप बाकी अफसरों को क्या बुलाते हैं? साहब मैम, तो मुझे भी वही बुलाएंगे. जी मैम. साहब, टिंकू की पैदाइश. बाप जनरल भाई यहाँ का इंस्ट्रक्टर, और बाप की यूनिट में कमीशन भी मिल गया. इंटेंस लुक तो ऐसे देता किसी सुल्तान का, सलमान खान हो. ये भट्टी लाइन पे ले आएगा इसे. हाँ, ये सपोज टू बी फुल दिल्लाद भाई, पर हार का नाना पड़ेगा. तू बिना फिल्मी रेफरेंस के बात नहीं करता क्या? फिल्में ना हो तो पराठे लाएगी नहीं. अबे, अबे तू सरदार है, तू पिनिया लाया फिर? अबे आएगा. Hey Bill, तुझे याद है ना, इंडिया में भी आप बैठ जो राइट नेक्स्ट टू इच अदर. Of course bro, those are the days. All is better in hindsight my friend. Well speaking of hindsight, तेरे पिछवाड़ी पे वो रैश अभी भी है. तू स्क्रैच करना मिस कर रहा है क्या? Oof, romance, love is in the air. दोस्ताना टू भाई. कर दी ना IMA के धक्का एंट्री वाली बात. धक्के वाले हैं लेकिन अपने दम पे. Be my guest, thank you. I anyways like that bed better. Hey Thapa, तू वो बेड लेना प्लीज. Thank you. Thank you.
named you Tank? नहीं, I'm sure तेरे माँबाप ने तो तेरा नाम Tank John नहीं रखा होगा, है ना? नमस्ते भाभी जी. Pawn won't save your ass in the battlefield, my friend. Not pawn. My good luck charm, यारा. अच्छा. First episode bra salesman. First published in November 2008. हाँ वैसे राठौर साहब, ये आईए में अगर धक्का एंट्री है तो बाप की यूनिट में कमीशन को क्या कहते हैं? मेरिट. मेरिट धक्का एंट्री. वैसे असली धक्का एंट्री तो है कैप्टन शर्मा. हम सबके लिए एक डॉम. यहाँ पर हमें एक दूसरे की शूज की स्टिंग से लेके स्नोर्स तक सब झेलने पड़े, और मैडम के लिए स्पेशल रूम. ये कमांडो कोर्स है कि हनीमून? Wait and watch, partner. I don't know how many more rules are gonna be broken for her. साला उससे जो हारा ना, उसकी मैं personally मारूंगा. और साला तू हारा तो? Come on, Will. You know me better than that. No fucking way. दिख रहा है. यार ये लंगर का call कदों आएगा? तो पराठे भी नहीं लाया. सर विश्राम, कैप्टन शिखा शर्मा, मिलिट्री इंटेलिजेंस दिल्ली कैंट, सेंट हियर डायरेक्टली बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर टेस्ट केस. फादर सुबेदार मेजर देवीचंद शर्मा, 12 डोगरा, मेरी यूनिट. हैज 3 सन्स बट ही सेंट यू. ही डिडंट सेंड मी सर, आई जॉइंड द आर्मी बिकॉज़ आई वांटेड टू सर. झाझर सिंह सर, अफसरों की इस पूरी लिस्ट में सबसे कॉमन बात क्या है? सब आदमी है साहब. जी सब आदमी है साहब. जी कैप्टन शर्मा, आई एम नॉट अ मिसोजिनिस्ट. मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, स्पेशली उन औरतों की जो अपनी जेंडर की वजह से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से किसी मुकाम पर पहुंचती हैं. दैट्स एग्जैक्टली द प्लान सर. मुझे आपसे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं चाहिए. टू लेट फॉर दैट कैप्टन शर्मा. एक मिनिस्टर के डायरेक्ट रिकमेंडेशन की वजह से आपका यहाँ आना, यही अपने आप में एक स्पेशल प्रिविलेज है. आपका अलग ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में रहना स्पेशल प्रिविलेज है. सिर्फ आपके लिए एक लेडी आरएमओ का अपॉइंट होना, अगेन अ स्पेशल प्रिविलेज. आई डिडंट आस्क फॉर एनी ऑफ इट सर. एक्चुअली आई केम टू प्लेस अ रिक्वेस्ट हियर सर. मैं बाकी ऑफिसर्स के साथ डॉम में रहना चाहती हूँ सर. Dismissed. एक खूबसूरत लड़की थी, एक खूबसूरत लड़की थी, को देख के राइफल मैन, को देख के राइफल मैन, एक किसना भूल गया, एक किसना भूल गया, हमारा मेजर देख लिया, हमारा मेजर देख लिया, उसने पिट्टू लगाया, उसको पिट्टू लगाया, मास्टर मास्टर स्मार्ट था, मास्टर मास्टर स्मार्ट था. Good afternoon. Look who's here. Good afternoon, ma'am. Captains? Say hello to the military Barbie. Hello. Military Barbie. Well, that's a new one. Is it? Hello. Please. Thank you. You'll have to excuse Rohan, he's a chauvinistic ass. Sorry, ma'am. Oh, please don't ma'am me, guys. Shikha or Shiks will be great. Thoda to apnapan lage yaar. Okay, Shikha. So, Captain Shikha. Ji. Since you are a part of us now, to aapko bhi special forces ka special welcome milega. Yeah. Kuch meetha ho jaye? Of course. फिर नहीं है जी.
आखिरी वाली स्पेशली आपके लिए बचाई थी जी। गॉड अरे खाइए खाइए खास आपके लिए। नहीं जी ऐसी फिर नहीं मैं फिर नहीं खाऊं। That's pretty lame. Who is this? नाम नमक और निशान के लिए लड़ना पड़ेगा। नमक being the operative word there. Sure but this is all you guys have. थोड़ा तो कुछ टफ हो। Yeah we have military Barbie. Okay, let's see. How long you can stare at Surjewala's balls? Oh, not cool, guy. No, no, I got this. Come on, get That's up. It's okay. I know where they are. Ah, okay. Come on, Surje. Whoa. Woo! Go for it, boy. Eyeballs, na? Oh, shit. Oh, nice. Oh, man. Huh? You'd even brains, huh? Mutt. Vaise, you do have balls. For a woman. Actually, मुझे ना ये phrase कभी समझ ही नहीं आया. Why do balls represent strength? They're the weakest part of a man's body. Right, Captain? बड़ा दर्द होता है. The vagina, or a pussy as you guys like to call it, denoting a coward, is actually the strongest part of a woman's body. It pushes out an entire human being. It pushed you out, Captain Rathor. Oh, she nailed you, partner. Now that's what I call a vagina monologue. That's a good one, Captain Avinash. Thank you, lady. Please call me Avi. Right, gentlemen. I'll take your leave on that note. I just stopped by to say hello. Captain Sharma? Yes? पांच लाइन्स मारना मुझे भी आता है। आप लेडी ऑफिसर हैं, आपका लिहाज है, इसलिए मैं अंदर चुप रह गया। लिहाज? इस तरह के शिवलरी में लपेटे हुए सेक्सिस कमेंट्स मैं बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ कैप्टन। And I'm actually used to much worse. OTA में, यूनिट में, so please spare me your bullshit. ऐसी नॉइज ब्लॉक करके अपना काम करने की मुझे बचपन से आदत है। लेकिन इस मामले में आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं मुझे। क्यों ना आप अपने काम पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ मी। किसी ने कर्नल साठी को देखा है? उनका फोन नहीं लग रहा। मैं अभी उन्हें वॉर मेमोरियल पर मिली थी। ओके आप प्लीज सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेन बिल्डिंग की तरफ कोई नहीं आए। वी हैव अ सिचुएशन। क्या हुआ कैप्टन? कैप्टन सुजिन इज ऑन द रूफ। दरवाजा लॉक्ड है। And he has a loaded weapon. Udi, darwaza kholo. Thank you.
कैप्टन सुजन बैक ऑफ नहीं तो चल जाएगी लोडेड है आपकी परमिशन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी वेयर द हेल इज कर्नल साठे वो बस आते ही होंगे तुम कौन मैं नए बैच में हूँ आज मेरा पहला दिन है यहाँ व्हाट लेडी ऑफिसर इन स्पेशल फोर्सेस डोंट लाई टू मी हु आर यू आई एम नॉट लाइंग आई एम द फर्स्ट मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने आई हूँ कैसे आपसे ये समझने कि आप अपना पूरा करियर ऐसे क्यों रिस्क कर रहे हैं I broke my anchor. I understand. You don't understand. मेरा एक ही मकसद है स्पेशल फोर्सेस कमांडर का ऑफिसर बनके इस झंडे को सर्व करना हम सबका यही मकसद है यार सो आई डू अंडरस्टैंड कैंप दोसर का नाम सुना है तुमने हमारे कोर्स का स्ट्रेस टेस्ट आखिरी दिन के आखिरी घंटे तक सब ठीक था क्लियर एवरीथिंग बट वन स्टूपिड मिस्टेक एंड आई ब्रोक माय एंकल स्पेशल फोर्सेस कमांडो बन के वापस आऊंगा क्या वो दिखाऊंगा अब मैं आर यू श्योर उसके पास सिर्फ ग्लॉक है यस सर जैन सर डैम कृपाल ये बैच का बेस्ट था काबिलियत तो उनमें अभी है बस इस बशप की गुंजाइश तो नहीं होती स्पेशल फोर्सेस में ओनली द टफेस्ट ऑफ द टफ गेट टू वेयर द मरून बेले बट्टी आप यहाँ के रूल्स जानते हैं कैप्टन एक इंजरी पूरा मिशन फेल कर सकती है मैं इस टूटी हुई एडी के साथ भी अपने पूरा ऑपरेशन कर सकता हूँ आई वाज स्पेशल फोर्सेस कमांडो नॉट अ ब्लडी सिविलियन ड्यूड टू से दैट I understand. आप अगले साल फिर अप्लाई कर सकते हैं यू कैन स्टिल अर्न योर मरून बेरे नथिंग इज लॉस्ट नथिंग लेकिन अगर वो ट्रिगर आपने दबा दिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कैप्टन प्लीज थिंक अबाउट इट I know. मैं बस कर्नल साठे से मिलके एक और चांस की भीख मांगना चाहता हूँ बस एक और चांस आप ऊपर जाइए कामत के साथ सर इस रास्ते से जी कामत राजेंद्र सिंह Please hand me the weapon. एक और चांस इसे too much to ask. Please hand me your weapon. Thank you, Captain. Thank you. Captain Sujain, come down immediately. Can you hear me? Captain. Give up your weapon and come down. कैप्टन तो मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी पड़ेगी ड्रॉप द वेपन ड्रॉप द वेपन कैप्टन ड्रॉप इट आपका पहला दिन काफी इवेंटफुल रहा नहीं और बाकी सब कैसे थे आपके साथ सिट अप प्लीज
कुछ अच्छे थे, कुछ थोड़े अजीब थे, बट नॉर्मल कोई नहीं था. रोटेट फॉर मी. दिस इज अ क्रेजी वे टू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, कैप्टन शर्मा. प्लीज कॉल मी शिखा. अपर्णा. आपको यहाँ सिर्फ मेरे लिए पोस्ट किया गया है. आई होप यू आर नॉट अपसेट अबाउट दैट. ऑफ कोर्स नॉट. आपकी वजह से मुझे SFTC में सर्व करने का मौका मिला. और वैसे भी मैं उस पागल लड़की से मिलना चाहती थी जो मिसाल बनना चाहती है. नो प्रेशर, पर इस देश की सारी लड़कियों का फ्यूचर अब आपके हाथ पे है. थैंक्स. आओ. ओके. जस्ट सम ब्रूजिंग, नो ब्रोकन रिब्स. ओके, थैंक गॉड. नहीं तो कोर्स शुरू होने से पहले ही मेरा जहन कर देते. यू कैन वेयर शर्ट नाउ. टेल मी वन थिंग, तुम क्या सोचकर ऊपर गई थी? एक्चुअली ये एक बार मेरे साथ पहले भी हो चुका है और उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई. एक्सक्यूज मी मैम, कर्नल साठे आपको बुला रहे हैं. आफ्टरनून सर. पहले ही दिन से आप पूरी कोशिश कर रही हैं टू गेट ऑन द नर्व्स, इज़न्ट इट? किसकी परमिशन से आप ऊपर गई थी? आर यू ट्रेन्ड टू हैंडल सच सिचुएशंस कैप्टन शर्मा? परमिशन टू स्पीक फ्रीली सर. ग्रांटेड, एट इज. आई एम वेरी सॉरी सर, मैंने क्राइसिस में अपने इंस्टिंक्ट और गट से रिएक्ट किया सर. बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन SF कमांडोज को इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है. आप अभी तक कमांडो नहीं है कैप्टन शर्मा. यू आर फार फ्रॉम इट. डू यू इवन रियलाइज, आपके इस बिहेवियर की वजह से मैं आपको इसी वक्त एकेडमी से बाहर कर सकता हूँ. यस. लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं. इट विल बी टू इजी. आई डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड फॉर दैट. आप खुद ही निकल जाओगे. यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स. आई बेग टू डिफर सर. यू रियली थिंक यू आर अ स्पेशल केस, डोंट यू? नो सर. देन व्हाट? अ नट केस? नो सर. देन हु द हेल डू यू थिंक यू आर? The test case, sir.
sir. Good evening. My apologies, Captain Sharma. Military Intelligence Directorate has been on my ass to take this from here. Sir, this will be my last job for the MI. इसमें वो टेररिस्ट स्लीपर सेल की सारी इंटेल है सर. I hope you get the bastard, sir. I hope so too. वैसे आपके कमांडर कर्नल साठे जानते हैं कि इस वक्त आप यहाँ पे हैं? सर, उनको पता होता तो मैं अब तक हरियाणा रोडवेज की बस पे घर वापस जा रही हूँ. और ये इतना टाइम सेंसिटिव हैंडओवर नहीं होता सर, तो मैं एकेडमी की फेंस पहले ही दिन कूदने का रिस्क कभी नहीं लेती सर. If anyone deserves to be the first woman in combat and in special forces, it is definitely you. Thank you very much, sir. Really good to see you. Good to see you. I'll take your leave. Night, sir. Good night. Sir. आर्मी की ट्रेनिंग खत्म होती है उत्थे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू होती है. बिना निंदर बिना पानी बगैर खान दे भी तुसी अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन लड़ोगे ते जितोगे. आज से हर ड्रिल के साथ हमारा लीडर बोर्ड अपडेट किया जाएगा. 8 हफ्तों के बाद आप में से कई ऑफिसर्स पास आउट होंगे और मरून बेरे के हकदार बनेंगे. बरेकलौता वो जो इस कोर्स को टॉप करेगा उसे मिलेगा वो खास कमांडो डैगर. बात समझ में आई? जो अमन और शांति में पसीना बहाते हैं वो जंग में खून नहीं बहाते. शरीर थकेगा टूटेगा जवाब देगा, सांसें फूलेंगी जवाब देंगी, पर आपको रुकना कतई नहीं. जल्दी जल्दी स्पेशल फोर्सेस आइए. बैकअप. इस ऑब्स्टिकल कोर्स का कट ऑफ था 7 मिनट. टैंक साहब, आपने इसे पूरा किया 5 मिनट और 7 सेकंड में. मुबारक हो, आप अव्वल नंबर पे हैं. मनित साहब, आप दूसरे स्थान पे, शाबाश. शर्मा साहब, आपका क्या कीजिए? लगता है आपके लिए तो एक नया ऑब्स्टिकल कोर्स बनाना पड़ेगा. नहीं उस्ताद, मैं कर लूंगी उस्ताद. कब? हो सकता है कि आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बाकी लड़कियों से बेहतर हो, पर स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग आदमी और औरत में फर्क नहीं रखती. खैर, यहाँ SFTC का एक खास असूल है कि गलती चाहे किसी से भी हो, सजा सबको मिलती है. तो जब तक कैप्टन शर्मा ये ऑब्स्टिकल कोर्स 7 मिनट के अंदर पूरा नहीं करती, तब तक के लिए आप सबको लिमिटेड राशन मिलेगा, भोजन अभाव. बात समझ में आई? Fucking told you guys, man. इसकी वजह से ना हम सबकी बचेगी. हाँ यार, माने साले. गरुड़ का हूँ. बोल प्यारे. मेरी जान, कैसा है तू? बहुत बढ़िया भाई. यहाँ पर भी झंडे गाड़ रहा है. Always brother. Super man. Hey, by the way, have you met the legendary Captain Rathore? कल मैं इसमें मिला था, very briefly. Hi. अरे आपकी तो अच्छी खासी रेप्यूटेशन है रेजिमेंट में. Good to finally meet you. Pleased to meet you. रोहन तेरा दोस्त तरक्की कर रहा है यार. शिखा, I mean, Captain Sharma. You too, man.
तुम तो एनडीए से साथ में हो ना? ये तो सही यार, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं लोगों की। You okay? I hope this is not sympathy, because that will make me feel like an outsider. Not at all. It's support. Believe me, I know what it feels like to be an outsider. मेरा नाम बिलाल सिद्दीकी है। इसे तो फौज ज्वाइन की मैंने, because here things just don't matter. You know what I mean? Call me Shikha Bilal. I'll do that. I'll see you. See you at dinner. Bye. Read what is written on the wall. We make men out of boys. We make men out of boys. What would I make out of you? पेट में चूहे घर घर खेल रहे हैं, सारे भांडा डाल रहे हैं, भोजन अभाव ने रेड मार ली। अरे तेरी भूख का लास्ट तेरे पास है क्या? सविता भाभी को खा ले। That sounds so wrong बे। ओए आलो, ओ बंता, तेरा संता आया है, साथ में देख क्या लेके आया है, देख। वो ये क्या है? अरे यहाँ गाग का बटालियन और अपने कैप्टन मरे तो सीएसडी पे रेड कर दी। ओए 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 एक मिनट पहले बोल गरुड़ का हो पहला हमेशा भारत माता की मिलेगा। पूरा खाना खत्म। गुड गर्ल, डैड ने मम्मा को बोल दिया आरशी के लिए वीकेंड पे नो होमवर्क। ओके आई लव यू टू बेबी, बाय। तो शादी के बाद बहुत बदल गया है। नहीं यार, आई थिंक इट्स बिकमिंग अ डैड दैट चेंजेस यू, यू नो इट वन डे। आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे पे लगा रहता है, मतलब यू बिकम सो प्रोटेक्टिव। कमरे में एक मच्छर भी होगा ना तो भी आपको लगेगा कि वो मच्छर आपकी बेटी को ना काट ले। डैड ऑफ द ईयर 2017। All the machas and makkis reminds me of our dearest Bilal. Were you winking at me? Were you eyeballing me? No, sir. There was a fly, sir. Hey, by the way, where is Bilal? Where do you think? 15. 60. Hey. Why? Good evening. Good evening. I thought you could use some reinforcements. You sure? Thank you. पर मैं और rules नहीं तोड़ना चाहती। अच्छा, तो madam already कोई rules तोड़ चुकी हैं। Can I ask you something? Sure. Why are you killing yourself? Bilal, ये obstacle course मैंने खत्म नहीं किया ना तो भट्टी मुझे कैरी ऑन कैप्टन शर्मा बोल के यहाँ से बाहर फेंक देगा। I have to give it everything here. It's do or die, Bilal. हमेशा हर वक्त एक पॉइंट प्रूव करना जरूरी है, हमेशा और हर वक्त। मेरी जिंदगी का मकसद तो इस मुल्क की हिफाजत है, रग रग में इंडिया। कमजोर मैं नहीं, किसी से कम भी नहीं, मर जाऊं मैं अगर गम नहीं है। गुरूर कहने में
यहाँ तिरंगे में, मेरी रग रग में इंडिया, मेरी रग रग में इंडिया, हो मेरी रग रग में इंडिया। चेक। बहुत भूख लग रही है। ए, वो दो चार बिस्किट खा के तो मूंछ भी गीली नहीं होती है। कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है, कल मैडम फेल हो जाएगी, भोजन अभाव खत्म। नहीं बापे, कुड़ी में दम है, एंड आई हैव अ फीलिंग वो कर लेगी। लगी 2000 रुपए की? चल लगी, मेरी भी लगी, नहीं कर पाएगी। कर दो वो लेगी क्या, देखते हैं। एक मिनिस्टर के डायरेक्ट रिकमेंडेशन की वजह से आपका यहाँ आना, यही अपने आप में एक स्पेशल प्रिविलेज है। से हेलो टू द मिलिट्री बार्बी। फौज में छोरियां ना बन सके कमाल। नो प्रेशर, पर इस देश की सारी लड़कियों का फ्यूचर अब आपके हाथ में है। आई डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड फॉर दैट, आप खुद ही निकल जाओगे। बचे 20। कैप्टन शर्मा, आज आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। यदि आज भी आप फेल हो गई तो आपका एग्जिट फॉर्म हाजिर है, लेकिन इस बार मुश्किल दोगुनी होगी। शुरुआत से ही आपकी पीठ पे 10 किलो का पिट्ठू भी होगा, क्योंकि कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बात समझ में आ गई? जी। काके, लगता है मेरे पैसे तो गए। 2000 रेडी रख। मोहन शर्मा साहब, घर जाना बहुत आसान है, पर क्या आप घर जाना चाहती हैं? कोशिश करिए। विश्राम, 7 मिनट और 10 सेकंड। लेकिन इस ऑब्स्टिकल कोर्स को आपने 10 किलो के पिट्ठू के साथ किया है, इसलिए हमारे असूलों के मुताबिक आपको 20 सेकंड की रियायत दी जाती है।
और इस रियायत की वजह से आप 10 सेकंड से डिस्क्वालीफाई होते होते बच गए। मुबारक हो शर्मा साहब, लगता है अभी घर जाने में वक्त है। थैंक यू सर। चलिए काली जी, आप सबके लिए भोजन प्रस्तुत है श्रीमान। वैसे जो भी कहो मैडम, एक्स फैक्टर तो है। तभी तू बैट जीत गई। व्हाट से ब्रो? फॉर श्योर वेल, फॉर श्योर। रोड साहब, बैट हार गया। निकाल पैसे। वॉलेट अलाउड है यहाँ, डॉम में दूंगा ना। गुड इवनिंग बॉयज। गुड इवनिंग। यार सुरजे सुनने में आया यहाँ पे कोई बैट लगी थी यार कि मैं ऑब्स्टिकल कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। Between the boys, यार तो I don't want to interfere, पर हारने वालों के लिए बड़ा बुरा लग रहा है यार। Just cut the crap, Captain Sharma, all right? अरे राठौर साहब, पूरी बात तो सुनते जाइए। यार no offense to anyone, पर मैं बस ये कह रही हूँ कि लोगों का focus ठीक होना चाहिए। Leader board पे focus रखें, betting छोड़ो अब। नहीं? बिल्कुल। तो beer पिला रहे हो कि नहीं? अरे बिल्कुल। पैसे जिताएं आपको? चलिए। आजा। पैसे तो तूने देने? आजो आजो। सर, बार ब्रॉल विद द पुलिस, राइट? गॉट एनी एक्सप्लेनेशन? सर, मैं माओ में था, जूनियर कमांड खत्म हुआ था। वो लोग मेरठ के गुंडे थे सर, मेरी फ्रेंड को छेड़े से आई, आई जस्ट गिव इट बैक। लेकिन मैं इस एफआईआर का क्या करूं कैप्टन अविनाश? लुक, आपने जो कुछ भी किया शायद सब लोग वही करते होंगे, लेकिन ये SFTC है एंड वी गो बाय रूल्स। आई कैन नॉट हैव समवन इन द एकेडमी हु हैज अ पुलिस केस ऑन। आप अपना कोर्ट केस खत्म कीजिए और अगले साल फिर वॉलंटियर कीजिए। सर प्लीज एक बार रिकंसिडर। रूल्स आर रूल्स कैप्टन अविनाश। सर ऑल द बेस्ट। एक बात और कैप्टन अविनाश, भोजन अभाव के दौरान CSD कैंटीन से खाना डॉम में पहुंचा था, am I right? We are watching always। जाते जाते ये बात अपने कोर्समेट्स को समझा दीजिए। इसका नाम टैंक किसने रखा होगा यार? मैंने सुना है इसका नाम टंकेश है। टंकेश? आई प्रिफर टंकिंदर। साला बंदा है तो सही, जब सब हंसते हैं चुप रहता है, जब सब रोते हैं तब हंसता है। यार आई एम फीलिंग बैड फॉर अविनाश यार, यू इज़ अ गुड लैड यार, काम का जल्दी जाना पड़ा यार। वो साला हमेशा फंस जाता है। मुझे लगता है साला इसमें भी ना वो मिलिट्री बारबी का हाथ है। मिलिट्री बारबी? हमारा पहले हफ्ते का रिकॉर्ड कायम रहा साहब, 4 लोगों ने एग्जिट फॉर्म साइन कर दी, लेकिन वो अभी भी यही है। जी साहब, हमने उन्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। हर रात उन्होंने खुद ही ट्रेनिंग की और आज ऑब्स्टिकल कोर्स भी कंप्लीट कर लिया। साहब एक बात पूछना चाहता था। जी, क्या हमें उन पे इतनी सख्ती करनी चाहिए? पट्टी साहब, आप कितने सालों से SFTC में पोस्टेड हैं? 8 साल साहब। और 8 सालों में तो आपने मुझसे सवाल कभी नहीं पूछा किसी दूसरे अफसर के बारे में। एक और बात, कैप्टन शिखा शर्मा ने यह दरख्वास्त की थी कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, लेकिन सर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी किसी लेडी ऑफिसर ने स्पेशल फोर्सेस कमांडो बनने के लिए अप्लाई नहीं किया था।
fuck. क्या मजाक है? कर्नल साठे के ऑर्डर्स हैं भाई। I just have to find myself a bed now. वेलकम शिखा। वैसे यहाँ का एक रूल है, बेड पाने के लिए आपको यहाँ के सबसे तगड़े ड्रिंकर के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो कौन है यहाँ पे सबसे तगड़ा ड्रिंकर? मैं हूँ। एक पॉइंट प्रूफ करने में कितना दारू पीगी? रहने दीजिए, वैसे भी राम घोड़ों और मर्दों को पचती है। यहाँ रम पीने वाले घोड़े कहाँ हैं भाई? क्या बात है, वो देवड़ी था, ये बेवड़ी है। और ये बात ना पूरे अदब और रिस्पेक्ट से करो मैडम। ओके, कम ऑन सर। और अरे कैप्टन शर्मा की तो ओवर टाइट होती नजर आ रही है। द गेम हैज जस्ट बिगन। कैप्टन शर्मा, कम ऑन, यू कैन डू दिस। इसीलिए कहते हैं सौ सुनार की और एक लोहार की। मान गए रोहन। Hey, hey. To the floor, Barbie. Aye, aye, Captain. Cheers, boys. Captain Sharma jung haar chuki hai. लगता है कल रात थोड़ी भारी पड़ गई साहब। जैसा कि आप जानते हैं, इसराइलियों का क्राव मागा दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स में से एक। स्पेशल फोर्सेस में वेपन से ज्यादा जरूरी होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। कैप्टन रोहन राठौड़,
ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, IMA, NDA, सबका रूल याद है ना? जी उस्ताद। तो फिर 20 राउंड, बड़ी पिगी बैग, सब ठीक हो जाएगा। हमारे स्पेशल फोर्सेस के नियम अनुसार लीडर बोर्ड के अल्टरनेट पोजीशन वाले कमांडो एक दूसरे के बड़ी हुए। उस हिसाब से मनीष साहब आप रोहन साहब के बड़ी हो गए। जी उस्ताद। चलिए निभाइए दोस्ती। राठौर, हम दोनों विक्रम और बेताल नहीं लग रहे। Fuck you, bitch, man, मनत। मेरा सर फटा जा रहा है। तू बोला और मैं उड़ा। हो गया कि बाकी है? बाकी है, पूरे 8 और राउंड। किसने कहा था चौधरी बनने के लिए? पूरी 1.5 बोतल चढ़ा ली। I wanted to show her her place. But she showed you your place. What the fuck are you talking about? तुझे नहीं दिख रहा जो सबको दिख रहा है? क्या? She played you, partner. उसने ट्रैप लगाया और तू फंस गया। अरे राठौर साहब, इतनी जल्दी फट गई? रुकना नहीं है, चलिए चलिए आगे। हमारे सूत्रों के मुताबिक एक लीडिंग ऑफिसर को स्पेशल फोर्सेस में कमांडो कोर्स के लिए भेजा गया है और उनका प्रदर्शन देखकर सभी लोग दंग रह गए हैं। रक्षा मंत्री को इस टेस्ट केस के बाद पूरी उम्मीद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कौन? ब्रेकिंग न्यूज तो सुन ली होगी। अपेरेंटली आप और मैं शिखा शर्मा का प्रदर्शन देखकर दंग रह गए हैं। anyway, कैसा कर रही है वो? फिजिकल स्ट्रेंथ में बाकी मेल ऑफिसर्स उनसे बेहतर हैं, लेकिन शूटिंग में कैप्टन शर्मा काफी स्ट्रांग है। ठंडे दिमाग से सोचती है। ऑब्स्टेकल्स में फेलियर के बाद शी हैज कम बैक रियली स्ट्रांग। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कर्नल साठे? जनरल बेदी, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं किसी की बिना वजह तारीफ नहीं करूंगा और सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि वो लेडी ऑफिसर है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। ऐसे एरियाज जहां ज्यादातर औरतें मात खा जाएंगी, शी इज डूइंग मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। हाउएवर सर, अगले हफ्ते से स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स ट्रेनिंग शुरू हो रही है। अंडर फ्रेडी, राइट? यस सर, अंडर कर्नल फ्रेडी पूनावाला। आप तो जानते हैं कि ये सबके बस की बात नहीं है। और कैंप दोजक भी अभी बाकी है। टैक्टिक्स वो क्लियर कर भी नहीं, लेकिन दोजक को क्लियर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा सर। Are you sure? मेल ऑफिसर्स का ही हमारा फेलियर रेट 40% है सर। रिमेंबर कर्नल, ये सिर्फ शिखा शर्मा का सवाल नहीं है, फौज के फ्यूचर का सवाल है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारा बेंचमार्क वही रहे। You know what I'm saying? Push the hardest. Yes, sir. मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है, रग रग में इंडिया। मेरी जिंदगी का मकसद तो इस मुल्क की हिफाजत है, रग रग में इंडिया। कमजोर मैं नहीं, किसी से कम भी नहीं, मर जाऊं मैं अगर गम नहीं। गुरूर कहने में मेरी जाति रंगे में, मेरे रग रग में इंडिया, मेरे रग रग में इंडिया, मेरे रग रग में इंडिया। कम ऑन। शाबाश अफसरान। कैप्टन मनीष,
अच्छे परफॉर्मेंस के रहते आप लीडर बोर्ड पे आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन रोहन, परफॉर्मेंस के साथ साथ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है लीडर बोर्ड पोजीशंस के लिए। और शर्मा साहब, आप ऐसे ही डटे रहिए। आज के लिए इतना ही। स्पेशल फोर्सेस में खुशखबरी भी बिना वार्निंग के आती है। शाम को 6 घंटे के लिए जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, पर कल सुबह 5 बजे पोलैंड के लिए तैयार रहिए। चलिए डिसमिस। गाइस हरी अप। आज कैसे मैनेज करोगे कैप्टन जी का? 15 मिनट है बस निकलने में, जल्दी करो। क्या प्लान है? क्या तू आज ना रहे? साले थर्सडे को तो ना आया था। लाल साहब कितना ना होगे? जल्दी करो, 14 मिनट में बस निकल जाएगी। हाँ? हाँ। सही है। क्या हुआ सुरजे? What are you looking at? No. क्या? तुम्हारी मम्मा के पास भी है, बहन के पास भी है, कल को बेटी होगी तो उसके पास भी होंगे। थोड़ी फिल्मी लाइन यूज कर रही हूँ समझाने के लिए। It's just anatomy, get used to it. Used to हो जाऊंगा जी वो। Sorry, मैं आपको offend नहीं करना चाहता था। It's okay, fair enough. क्या है ना जी, वो हर बंदे की फैंटेसी होती है, वो इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन। अब बस, अब मैं सच में ऑफेंड हो जाऊंगी आपको। So, where are you from? From Bangalore. आप लोग आर्मी ऑफिसर्स हो? Yeah. ओके क्या भाई, टाइम फॉर सम कॉकटेल? हाँ नाइस शॉट, इजी था। अविनाश से बात हुई? ठीक ही होगा पाजी, बोली वार्ड में तो टिंडर भी नहीं लगता। हट्टी साहब ने ब्लॉक करवाया पाजी। तेरी पैर हमेशा उससे चिपकी रहती है। और टेंशन ना ले काके, आज तो अपनी भी सेटिंग है। मैं हाय क्यों कोचेस? ओह थैंक यू। ओह हाय मनन, सुजी प्लेजर। कैप्टन सुरजे वाला? यस
the most sincere captain here. Really? Yes. Linda? Hi. Susie. Susie. They're from Australia. I love Shane Warne. Bowler. Oh, we don't follow cricket. but you drink, right? Yeah, of course. Of course, Australian for beer. Ranjit? Susie. Excuse me? Sujewala's father is a very big fan of Ranjit. So yeah, that's why he named him. No, it's a thing. Manat charming bahut hai. Kyun? Kulipad mein usko itni cute ladkiyan kahan se mil gayi yaar? Achha, to tumhe kaun si pasand hai? Wo phoolon wali ki tan dress wali? Wow. Fir hot to dono hi hai. But I What's wrong with you? मैं फौज में हूँ मेरा मतलब ऐसे नहीं था जस्ट कि मैंने कभी किसी लड़की को और एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट करते देखा नहीं लो एक और स्टीरियोटाइप मैंने उसके पहले मनित को भी तो कॉम्प्लीमेंट किया था Yeah, and I don't think she's into girls. There you go. See? Vishnu gets me. That's so sad. And here I was thinking that tumhare personal leadership board pe main hi number one. Thanks, bro. Our luck, bro. Competition bahut hai, Bilal. Chalo, I'll catch you guys later. Yes? Sorry, I'm looking for my boyfriend. Show you have the right room number. Let me check if he's in. Time nahi hai mere paas. Aap isse kaam chala lenge. I've got it. Are you okay? Yeah, perfect. So good to see you. वैसे कहना पड़ेगा काफी हॉट लग रही हो थैंक यू एंड दैट्स ब्यूटीफुल ड्रेस मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट करी है ओह तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है फिर शिविया व्हाट क्या है ये कोई म्यूजिक नहीं है कोई कैंडल्स नहीं है हाउ अनरोमांटिक यार मेरे पास असली स्टार बैठी हुई है और तुम कैंडल्स की बातें कर रही हो Star. My star. Ow, 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 ow. Really that bad? No, it's okay. क्या हुआ? अरे कुछ नहीं. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. It's just a little tough here. Actually, it's very tough. इतनी ड्रिल्स और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है यार और ऊपर से वो दो भट्टी और साठे यमराज के दो अवतार Listen, I feel really bad for them. Shivi क्या बोल रही है Very यार? Bad. तेरे शोल्डर को अभी ठीक करता हूं मैं ये देख आ आ अब ठीक हो गए देख जानता हूं तुझे मैं देखो दिल्ली की डीटीसी बस का वो किस्सा याद है जब तूने कंडक्टर को कूद कूद के मारा था उसके तो चार दांत और तोड़ने चाहिए आंखें देखी थी उसकी रोकता नहीं तो शायद जान से मार देती तू उसको लुक तेरे को पता है इस वक्त सारे ऑफिसर्स अपनी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स को क्या कह रहे होंगे क्या कह रहे होंगे बेबी आई गॉट माय बट किक्ड टुडे बाय अ लेडी ऑफिसर You are the strongest girl in the world. And you're going to survive this. I'm telling you. Shivi, you know, I really... I do. Yeah. I really missed you, Shivi. Listen. Kya?
इतने सारे लड़कों के बीच मुझे इग्नोर तो नहीं करोगी ना? I'll try, but I can't promise. कैम चिटनेस ग्रीन हॉर्न रोवर्स सब में तू लीडर था. एनडीए भी टॉप किया तूने. ऑलवेज बीन द बेस्ट रो. तो फिर इधर क्या हो गया तुझे? हाँ, इतने गुस्से में क्यों रहता है? लेट इट बी अबिल. डोंट एक्ट लाइक यू केयर. कितने साल से जानता है मुझे? 12-13 साल. आजकल ऐसा लगता नहीं है यार. तू कैसे बातें कर रहा है यार? देख यार, तू नहीं समझ रहा. दिल की अच्छी है. ओके, शी जस्ट एक पॉइंट प्रूव करना चाहती है. कैप्टन शर्मा, कहाँ थी आप? I just want to grab a coffee. यहाँ का खाना कैसा है? आप बताएं कैसा था? कॉफी से अच्छा नहीं होगा. कॉफी पीने गई थी यार, तो क्या है? बड़ी खुश लग रही है. क्या हो गया? चुप क्यों हो गया? देख, अगर तुझे लगता है ना तेरा और उसका कुछ होने वाला है तो भूल जा. She's playing you. She's playing everyone. जैसे पंडी और बबली, नील और निक्की, ऐसे सूरज और सूजी. हाथ आई पर मुंह ना लगी. पहन थी टकी. प्यारी होती है अफसरान, पर नींद से ज्यादा प्यारी होती है जान. 10 मिनटों में फौरन कीजिए दोजा के लिए. फौरन. दोजक ऑलरेडी और ऑन टू रिदम. ऑलरेडी दोजक 8 वीक में होने वाला है. स्टेल्थ एंड सरप्राइज पार्टी. ये स्पेशल फोर्सेस है. दुनिया के सारे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में एक ऐसा टास्क होता है जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हदें चेक करता है, बल्कि आपका जोश, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और आपकी विल पावर भी अल्टीमेट लिमिट तक टेस्ट करता है. इजरायलीज उसे LDFX कहते हैं, अमेरिकन्स रॉबिन सेज कहते हैं,
और हम लोग उसे कहते हैं कैंप दोज़ख। अगले 36 घंटे आप आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि दोज़ख का मतलब होता है नरक, हेल। मेरी आप सब लोगों को एक ही सलाह है, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल जस्ट कीप गोइंग। लगता है लगने वाली है। दोज़ख का पहला पड़ाव 30 किलोमीटर की नाइट मार्च, 30 किलो पिट्ठू में और अपने अपने हथियार के साथ। बढ़ते रहिए, चलो कमांडो रुकना नहीं है, चलिए बढ़ते रहिए। पूरी की पूरी पार्टी नीचे बैठ, बराबर से बैठ, कोई शक है तुझे क्या? चलिए हथियार ऊपर, एडवांस चलिए। क्या बरात में आगे मेरे, चल आगे ने बढ़। क्यों साहब, नहीं हो पा रहा है? चलिए इस फॉर्म पे साइन कीजिए और वापस जाइए। चलिए साइन कीजिए और वापस जाइए अपनी दिल्ली वाली आइस वाली पोस्टिंग में। अरे कोशिश कर ले, शाबाश शाबाश, अरे जोर लगा ले, अरे जोर लगा ले थोड़ा सा। फौज में नहीं जाना के? कमांडो बन रहा है कि नहीं? पीठ दुखे पप्पा, अभी दुखेगी तो बाद में ना दुखेगी। चल उठा। नहीं पापा। अरे उठा ले। मैंने भी कमांडर बनना पापा। छोटी, फौज में छोरियां ना बन सके कमांडर। पर फौज में जा तो सके है ना, इसका तो मन भी नहीं है जाने का, अब मुझे क्यों नहीं जाने देते? अरे तू करने दीजिए ना छोरी को। चुप रह। तू क्या हंस रहा है? इसने उठा ली और तेर से ना उठाई जा रही, फौज में ऐसे जाएगा के? चल उठा, जो लगा थोड़ा सा। और तू, तेरी जबान कैंची की तरह चले है, लगाम दे इसको। शाबाश, फौज में जाना है। चलिए साइन कीजिए और वापिस जाइए। सही हो या गलत, अब जंग का भविष्य यही है अफसरान, केमिकल वॉरफेयर। बिल्डिंग के अंदर आपको मिलेगी क्लोरोबेंजाइल्डीन मेलोनाइट्राइल, इसलिए शॉर्ट में हम इसे कहते हैं सीएस गैस। अमेरिकी आर्मी भी इसे अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करती है। यह टास्क आप अपने बड़ी के साथ करेंगे। याद रखिए, 2 मिनट के अंदर यह टास्क अगर नहीं हुआ तो आपके बड़ी की जान जा सकती है। एक एक सांस की कीमत इस टेस्ट से आपको पता चलेगी। दोनों बड़ीज को सांस से गिन के लेनी है। आपने सांस ज्यादा ले ली तो आपके बड़ी के लिए ऑक्सीजन कम पड़ सकता है। अरे ऑक्सीजन तो शेयर कर सकती हो। टास्क खत्म होने से पहले अगर ऑक्सीजन खत्म तो टेस्ट फेल। Guys! Rohan!
साले अगर तेरे क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से तुझे या मुझे कुछ हो जाता ना, तेरे डैड भी कुछ नहीं कर पाते। फक यार। तू ठीक है बड़ी? थैंक्स बिलाल, मेरा बड़ी है मेरे पास। हर लड़ाई पहले अपने भीतर लड़ी जाती है कैप्टन रोन, समझे? इस तरह तो आप अपनी, अपने बड़ी की और सारी यूनिट की जान खतरे में डाल देंगे। एक कमांडो बनने का सपना छोड़ दो तुम। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि ये तेरे पापा का सपना था। पापा का सपना नहीं है, ये मेरा सपना है। वो सपना मैंने उदित के लिए देखा था। लेकिन भैया पे क्या गुजरी वो तो मैं जानती हूँ ना, पापा आप नहीं जानते। आर्मी में जाने का कभी भी कोई मन नहीं था भैया का, आपने हमेशा उनको फोर्स किया। और अब जब मैं जाना चाहती हूँ तो आप मुझे फोर्स कर रहे हैं नहीं जाने को। आपकी मनमानी का क्या असर हुआ भैया पे, वो तो हमने देखा ही है ना। अब मुझ पे ना चलाइए अपनी। छोटी, तू कैसी लड़की है, तुझे शादी नहीं करनी? और हम तो तेरी पसंद के लड़के से भी शादी के लिए तैयार है। और तू शादी करेगा इससे? हाँ जी। अरे पर पापा, मुझे थोड़ी शादी करनी है अभी, मुझे ग्रेजुएशन खत्म करनी है, फिर आर्मी में जाना है पापा। बॉयफ्रेंड के साथ भी घूमना है, आर्मी में भी जाना है। वाह, तुम्हारी बेटी है, बेटा बनने की कोशिश ना कर। शिखा शर्मा ने अभी तक क्विट नहीं किया? जी सर। लव बाइट राइट? क्या हो गया? मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है राइट? बिलाल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। यू मेट हिम लास्ट नाइट डिडंट यू? यार, आई जस्ट सेड आई डोंट वांट टॉक अबाउट। हम दोनों दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ शेयर करें। व्हाई आर यू गेटिंग डिफेंसिव? So need for that. Dosti mein people usually share everything with each other, don't they? Main nahi karti. I need my space. Bilal, agar tumhe ab se lagta hai tumhe apne bare mein sab kuch mere sath nahi share karna hai to please mat karo. But don't expect me to give you my bio data, man. Bas ye sab sahi keh rahe hain. You're playing me. Kya? What do you mean by I'm playing you? Because I didn't tell you that I have a boyfriend. Mera boyfriend hai, meri personal life hai. Usse tumhara kya lena dena hai? Aur kya main tumhare paas aayi thi tumhe bolne ke liye ki mujhse dosti karo, mere buddy bano, mera dhyan rakho? No. Tumhe bura lag raha hai to please leave me alone. Listen, a word of advice, Shikha. No one, absolutely no one wins a battle on their own. Got it? इंडियन आर्मी के 1,01,280 अफसर दुनिया भर के 16 पीस कीपिंग मिशंस में फिलहाल डिप्लॉयड हैं। इन सभी ओवरसीज ऑपरेशंस में स्पेशल फोर्सेस की खास भूमिका है। जिन मिशंस में सख्त से सख्त सिपाही भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, वाम घुस के ऑपरेट करते हैं, और इसीलिए हम आपको इतनी सख्त ट्रेनिंग देते हैं। जो ये जेल गया वो कुछ भी जेल जाएगा। चलो कैप्टन राठौर, गुड जॉब। इतर पटरी है क्या मनी साहब? घबराइए नहीं,
दर्द जब हद से बढ़ जाएगा तो अपने आप चले जाएगा। आप आगे बढ़ते रहिए, दर्द को महसूस करें, इसकी अहमियत समझें। ये दर्द आपकी ताकत बन जाएगा, आपकी झेलने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी किस्म का डर आपको कतई तोड़ नहीं पाएगा। है यही दुश्मनों की शामत है, रग रग में इंडिया, मेरी जिंदगी का मकसद तो इस मुल्क की हिफाजत है, रग रग में इंडिया। कमजोर मैं नहीं, किसी से कम भी नहीं, मर जाऊं मैं अगर गम नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। जो डर गया या तो वो घर गया और या फिर मर गया। और अभी तो डोजा गादा ही पूरा नहीं हुआ जनाब, आगे बढ़ने से पहले 20 मिनट का ब्रेक, एक छोटी झपकी ले लेते हैं। जी उस्ताद। तुसी मेरियां गल्लां नूं ना सीरियसली ना लो, यहां ब्रेक सिर्फ हड्डियों के लिए है, तो आगे बढ़ें। जी उस्ताद। एक घंटे की अपील मार्च आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। चेक पॉइंट डेल्टा से झंडा लेके आना। सुनाई नहीं दिया क्या? जी उस्ताद। चलिए फिर। क्या हो गया बिलाल साहब? कुछ नहीं यार, कट गया थोड़ा सा। इस चोट पर ना आप वो मिट्टी लगा लीजिए, ये जख्म भर जाएगा आपका। बिलाल यू ओके? आई एम फाइन। सब ठीक शिखा साहब? सर सारे रिजल्ट्स आ गए, अगले टास्क के लिए प्रोबिस को दो स्क्वाड में बांट दिया गया। स्क्वाड अल्फा के लीडर होंगे कैप्टन रोहन और स्क्वाड ब्रावा के कैप्टन टैंक। ओके थैंक यू। कृपा सर, इंडिविजुअल ग्रुप या बड़ी एक्सरसाइजेस में कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना हो, एक कमांडो के लिए सबसे बड़ा स्किल होता है लीडरशिप। You know what I mean. Sir. मजा आ रहा है? अभी और भी आएगा। दोजक के दूसरे और सबसे खतरनाक हिस्से के लिए आप सबको दो स्क्वाडों में बांटा जा रहा है। रोहन, मनित, बिलाल, शर्मा, विष्णु और तेज बहादुर, आप सब हैं स्क्वाड अल्फा। बाकी जो बचे वो हैं स्क्वाड ब्रावो। स्क्वाड ब्रावो,
आपके लीडर होंगे कैप्टन टैंक और स्क्वाड अल्फा को लीड करेंगे राठौर ही होगा कैप्टन शर्मा। कैप्टन शिखा शर्मा अब सीधी तो खड़ी नहीं हो पा रही है, स्क्वाड को कैसे लीड करेंगी? कर लूंगी उस्ताद। क्या आप डोजर के सबसे मुश्किल चरण के लिए तैयार हैं? जी उस्ताद। आवाज नहीं आ रही शर्मा साहब। जी उस्ताद। बढ़िया, याद रखिएगा। इसको कह दे घर से लड़के जा रही है, आज के बाद दरवाजे बंद इस घर के। अरे इतना प्यार दिया, क्या कमी थी? इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी सी बात ना मान सके। अरे अपना बेटा खोया फौज के चक्कर में। अरे ये भी अपने पापा की बातों का बुरा मत मानना, अभी गुस्सा है, बाद में ठीक हो जाएंगे। तो जा, जरूर जा। तेरे बारे में एक बात जानती हूँ छोटी, कि तू जो चाहे कर सकती है, और अगर किसी बात के लिए तुझे रोका जाए फिर तो तू उसे और जोर लगा के करती है। क्या है ना, छोरियां बदल रही है पर छोरे नहीं, और छोरों को भला ना लागे जब छोरी छोरे से आगे निकले। तो ये बात हमेशा याद रखना। चलिए चलिए फॉरेन। अरे अफसरान, अब तक के साया बनकर नाबे साहब और मैं आपका हाथ थामने के लिए हमेशा से मौजूद थे। इसे टास्क नहीं, असली मिशन समझे। इन एक्सरसाइजों में लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। पहले चरण में आपको यहां पहुंचना है, दुश्मन के इलाके में। पॉइंट ए फॉर स्क्वाड अल्फा,
पॉइंट एक्स फोर स्क्वाड ब्रावो। वहां जाकर अगर आप ढूंढ पाए तो आपको मिशन के आगे के लिए राशन मिल सकता है, वरना राशन पानी लेके हम तो हैं ही आपके पीछे। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं आप स्टडी कर लीजिए फौरन। Okay, Vishnu, you and I will be in charge of navigation. Manit, you'll be my 2IC. Bilal, medical. Tej, communication. Captain Rohan, weapons. Koi shak, Captain Rohan? No, sir. आप सबने मैप पढ़ लिया? जी उस्ताद। बढ़िया, तो फिर लाइए। जो मैप साथ लेके चले वो काई की स्पेशल फोर्स। जी उस्ताद। ऑल द बेस्ट बड़ी। बैक सीट ड्राइविंग तुझे करनी है, यू नो ना हाउ गुड विमेन आर विद डायरेक्शंस। कैप्टन शर्मा, गुड लक। थैंक यू। Which way, Vishnu? Left or right? Let's go right. तुम गलत हो शिखा। छोटी पहाड़ी 1 किलोमीटर पीछे गई है, ये सही रास्ता है। मैं आपको याद करो शिखा, पहाड़ी नॉर्थ में थी तो मैं इस तरफ नहीं उस तरफ जाना। I know what I'm doing. और तुम दोनों की बातें भी सुनी है मैंने। Just because I'm a girl, मेरा navigation गलत है। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं पर सोचा तो था। Seriously, Shiks? Captain Soren, it's Captain Sharma. Really? So the authority card, huh? Okay. Good. Roger, ma'am. We're going this way and that's final. साहब, इस पेड़ का मार्किंग मैंने 1 घंटा पहले किया था, अभी वापस हम लोग इधर ही आ गया। ग्रेट, यू नो व्हाट, सुरजेवाला हमारी टीम में होता ना तो बहुत खुश होता। हम किसी हिंदी फिल्मी सॉन्ग की तरह एक पेड़ के चक्कर लगा रहे हैं। व्हिच वे कैप्टन शर्मा? आई एम रियली सॉरी, हम छोटी पहाड़ी की तरफ वापस चलते हैं, वहां से दोबारा नेविगेट। नेगेटिव, ना हमारे पास टाइम है और ना ही हमें पहाड़ी तक जाने की जरूरत है। टाइम एफर्ट दोनों वेस्ट। वैसे भी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, नेविगेट करने में आसानी होगी, हमें वेट करना चाहिए। मेक सेंस। आई स्टिल थिंक हमें वापस जाना चाहिए। ओके फाइन, डे ब्रेक तक हॉल्ट, कैप्टन रोहन वेपन्स चेक। विष्णु, ऑल इन। कैप्टन शर्मा, ऑल इन। बिलाल, ऑल इन। साहब, अरे मिक्सिंग नहीं। मनित, मनित, ऑल इन। तेज, ऑल इन साहब।
ऑल इन। हर चीज ऑफिशियल नहीं बनाई जाती थी जी। पिछले पॉइंट तक थी ना मैगजीन, तो मतलब इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच कहीं गुम हुई है। हॉल्ट है, चुपचाप जाओ और ढूंढ के आ जाओ। पोजीशन 20 यार्ड्स अवे। दीवार टूटी हुई है, छत नहीं है, सन्नाटा है, नो साइन ऑफ एक्टिविटी, ओवर। अल्फा 3 ओवर। अल्फा 3 इन पोजीशन, सामने दीवार है, घर दिख नहीं रहा, ओवर। कॉपी अल्फा 3 होल्ड पोजीशन। बिलाल होल्ड पोजीशन। अल्फा 2 आप आगे बढ़ेंगे, विल गिव यू कवर, ओवर। ओके, मूविंग इन 3 2 1 आउट। Alpha 1, all clear. Over. Copy. Squad Alpha, moving inside. Over. कहाँ है यार खाना? कसम से विष्णु, आज तो मैं मेस का बगैर नमक वाला बॉइल्ड चिकन भी खा लूँ। हाँ यार, 34 घंटे हुए बिना खाए। कहाँ गए ने देवता? वो रहे। हिलना मत, इट विल ब्लास्ट। टेक कवर। अल्फा 1, यार खाना नहीं, बॉम्ब है। विष्णु के पैर रखते ही एक्टिवेट हो गया। इट्स एन आईईडी, आई रिपीट, इट्स एन आईईडी। पूरे 155 mm का शेल है। 6 किलो टीएनटी है इसमें। ब्लास्टिंग पावर 300 पाउंड। मैं जरा सा भी हिला तो मेरे अराउंड 100 मीटर के रेडियस में सब कुछ उड़ जाएगा। गुड टू नो, क्योंकि हम सिर्फ 30 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। मनित, बॉम्ब पे टाइमर है। अरे मैंने कहा ना तो आईईडी, वी जस्ट हैव 2 मिनट 45 सेकंड्स, प्लीज ऑर्डर। कैप्टन विष्णु, होल्ड पोजीशन। कॉपी। कैप्टन मनित, आपने पहले भी आईईडी एक्सप्लोसिव के साथ काम किया है, करेक्ट? कैन यू वर्क दिस? कर तो सकता हूँ, लेकिन आई वुड हैव टू चेक द ब्लास्टिंग कैप। एक बार सोर्स मिल जाए तो ही पता चलेगा। स्प्रिंग और प्रेशर मैकेनिज्म? स्प्रिंग, बट लॉट्स ऑफ वायर्स। साला भट्टी का फेवरेट ब्रांड जरूर यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन होगा। रेनबो बना हुआ है वायर्स का। अरे जल्दी कर रहा हूँ यार, फोन काफी गर्म है, कांट विद इट टू मच। मनीष, एक एक करके वायर्स को एलिमिनेट करो बेस्ड ऑन व्हाट दे आर कनेक्टेड टू।
ये टीवी का वीडियो इन वीडियो आउट लीड नहीं है कैप्टन शर्मा. यू नो यू टेक स्टेटिंग द ऑब्वियस टू अनदर लेवल. वनित प्लीज फोकस ऑन योर जॉब. ओके ग्रीन वायर नहीं है. ब्लैक इज आउट टू. 75 seconds more, Manit. I can see the damn numbers, yaar. Okay, two wires hain, red or blue. Dono mein se ek blasting cap se connected hai. Agar galat wali kaat di, to boom. Okay, Manit. Dhyan se dekh, dono wires kahan se connected hai. Ye dono ek hi box mein ja rahi hain, yaar. What? Both wires have been stripped down. दोनों को एक साथ बांध दिया गया और दोनों की electric device से connected है जो कि timer से connected है. I think ये लाल वाली wire है. I'm going with the red. Wait. What? Here we are losing time. It's a trap. Go with the blue. Kidding me? Bomb मेरे सामने, device मेरे हाथ में है. I feel मुझे red wire करनी चाहिए. I'm going with the red. Manit, I have an instinct. It's reverse psychology. Go with the blue. Instinct? What about logic? आपके इंस्टिंक्ट की वजह से पहले काफी घंटे हो चुके हैं कैप्टन शर्मा. प्लीज गेस वर्क का टाइम नहीं है. I'm going with the red. मनित ब्लू. रेड. ब्लू. रेड. ब्लू. इट्स एन ऑर्डर. मनित गो विद द रेड. रोहन यू स्टे आउट ऑफ दिस. ब्लू. रेड. ब्लू. रेड. इट स्टॉप्ड. विष्णु. इट स्टॉप्ड. It stopped. Vishnu, bach gaya yaar. Die another ditch. Well done, bhai. Close one. Seriously. Instincts nahi. Logic. Well done, Manit. But aapne jo kiya that amounts to breach of orders. Are you being serious? Yeah. Manit ne apne team leader ke orders follow nahi kare. Yeah, thank God usne aapke orders follow nahi kiye. Look what happened when Vishnu followed your orders. There is a reason there's a chain of command in the forge, okay? And you out of all people should know that. Excuse me. Orders follow karne ke liye zinda rehna zaruri hai, Captain Sharma. Aap Manit se naraaz hai ya apne aap se for two terrible judgments in a row now? Stop getting personal, Bilal. I'm not getting personal. Bilal, Shikha. Time out, guys. Shika, come on. We are a team. We may be a team, but the last I checked, the army was not a democracy. Unbelievable. 5 minutes ke liye leader kya ban gaya? Apne aap ko khuda samajhne lag gayi? Us bomb mein itna TNT tha, pura jungle jal ke raakh ho jata. Okay, guys. Obviously, I am glad we are alive. No, it's not that obvious. Rules are rules. That's the first thing we are taught when we come into the academy. What? साला मैंने सबकी जान बचाई. दिस इज द थैंक्स आई एम गेटिंग. आवाज नीचे. आई एम स्टिल योर टीम लीडर. या बट मे बी नॉट ऑन मेरिट. एक्सक्यूज मी. आई गेस वी ऑल एग्री कि हमारी टीम लीडर गलत है और हम सही. और गलत को सही बनाना हमें आता है. ओह रियली? कैसे कैप्टन राठौर? डू यू रियली वांट टू नो कैप्टन शर्मा? जयंत साहब. एट इज कोई प्रॉब्लम शर्मा साहब? नहीं साहब. पक्का? जी साहब. तो फिर शाबाश स्क्वाड अल्फा. आप सबने बाखूबी बम को डिफ्यूज किया. अगर ये डेटोनेट होता तो जान का खतरा तो नहीं था, पर आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकते थे. खैर, स्क्वाड ब्रावो ने अपना टास्क एक घंटा पहले ही कंप्लीट कर लिया. आगे बढ़ते हैं. आपका आखिरी और सबसे मुश्किल टास्क, यहां से 10 किलोमीटर आगे दुश्मन के गांव में पॉइंट बी, वहां से आपको एक बहुत ही जरूरी पैकेट रिट्रीव करना होगा. और क्योंकि आपको खाने को नहीं मिला, ये गोलियां खा सकते हैं, चुस्ती वापस आ जाएगी. चबा लीजिए.
ये विटामिन की गोलियां नहीं है, नींद की गोलियां। ये गोलियां आपको उस दिन के लिए तैयार करेंगी जिस दिन आप घंटों नहीं दिनों तक नींद के बिना अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे। नींद के अभाव में भी आपको सतर्क और सही फैसला लेना होगा। जो आज सो गया, क्या पता ऑपरेशन के दौरान हमेशा के लिए सो जाए। Tiger calling for Alpha. Alpha One, come in. You okay? Moving target, sir. Take the defensive position. Tiger calling for Alpha. Tiger calling for Alpha. Pascal, come in for Tiger. कैप्टन बिलाल इंजर्ड हो गए थे और कैप्टन शिखा बेहोश, तो ऐसे में मुझे ही कमांड संभालनी पड़ी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हो गया वहां पर कि कैप्टन शर्मा का ये हाल हो गया? कैसे हुआ ये सब? Thank you.
बिल, आई एम सो सॉरी मैन. नहीं यार, मुझे सॉरी मत बोल, कोई और है जिससे हमें सॉरी बोलना चाहिए. तू बोले तो डैड से बात करूं, तेरी पोस्टिंग के लिए लखनऊ में, तेरी फैमिली है वहां पे. नो, मैं ठीक हूँ, I'll be just fine. Any idea how Shikha doing? She'll be fine. आप भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा साहब. हाँ, ऊपर ऊपर सब ठीक ही हो जाता है तेज, पर कुछ जख्म कभी भरते नहीं. This scars that stay with us our whole lives. Anyway, हम सबको डीब्रीफिंग रिपोर्ट्स लिखनी है. मैंने अपनी लिख ली है, देख लो. Water, Shikha. Shikha, you need some water. Drink it. Come on. Tumhari injuries normal combat injuries jaise nahi lagti hain. ये नाइटमेयर्स, ये एंजाइटी, ये हाई ब्लड प्रेशर, किसी से बात नहीं करना, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, मेडिकली दिस इज बॉर्डरलाइन पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. शिवालिक बार बार कॉल कर रहा है, तुम उससे भी बात नहीं करोगी? Look, Shikha, as the RMO, I have to submit my report to Colonel Sathe. और मेरे reports पढ़ने के बाद शायद साठे सर एक court of inquiry भी initiate कर दे. I'm asking you once again, is there anything you want to tell me? क्या हुआ था वहाँ? दोजक के दौरान आप लोगों के अच्छे या बुरे प्रदर्शन की वजह से लीडर बोर्ड में आपकी रैंकिंग्स पर असर पड़ सकता है. आप सबको पता होगा कि कैप्टन बिलाल अब इस कोर्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने डीब्रीफ्स में पूरी डिटेल में सब कुछ लिखें, खासतौर पर स्क्वाड अल्फा. आखिर वहां ऐसा क्या हो गया कि कैप्टन सिद्दीकी और कैप्टन शिखा शर्मा इस तरह से घायल हो गए? साहब, लेकिन हमारा दो साथी तो हॉस्पिटल में. कैप्टन बिलाल को बोल दिया गया है वो जाने से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे. कैप्टन शिखा भी ठीक होते ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी. और कुछ तो चलिए फिर लिखिए.
सर मुझे जो याद आया मैंने लिख दिया। कैप्टन सिद्दीकी, उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर अपने यूनिट वापस लौटेंगे और अगले साल SFTC के लिए फिर से वॉलंटियर करेंगे। आपके एग्जिट फॉर्म्स नाविस सब भरवाएंगे। किसी और चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। Captain Rao? Yes, sir. I've read the debriefs. Yes, sir. I'll be submitting my reports in the next couple of days. Yes, sir. Right. मेडिकल और डीब्रीफिंग रिपोर्ट्स एक साथ सबमिट की जाती है। डीब्रीफ्स में ऐसे कुछ नहीं लिखा है जो तुम्हारे इंजरीज को जस्टिफाई करे। डू यू नो दैट अपनी इंजरीज की वजह से कैप्टन बिलाल सिद्दीकी को कोर्स छोड़ के जाना पड़ा, पर जाने से पहले नॉट वंस डिड ही कम एंड लुक यू अप। बिलाल तो दोस्त है ना तुम्हारा? यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब कॉम्पिटिशन है और कंपटीशन में बस हार और जीत होती है, पर ना दोस्ती नहीं। I refuse to believe this. Sexual assault on a fellow officer in SFTC? ऐसा कोई incident हो ही नहीं सकता। In fact, आज तक हमारी किसी भी training academy में ऐसा नहीं हुआ है। आज तक men and women officers को एक ही जगह, एक साथ train भी तो नहीं किया गया था बेटी। What if it's a hoax? Male Kolipat का किसी IP address से ही आया। I've got it checked. So what? अगर हमने इसे handle नहीं किया, तो फौज जरूर बदनाम हो जाएगी। अभी तो ये mail हमें आया है। But what if कल को किसी न्यूज चैनल के पास चला गया, किसी ने प्राइम टाइम पे विच हंट होगा, हेड्स विल रोल। आई सेड नो फोन कॉल्स। ओके, पुट हिम ऑन। यस मिस्टर माथुर, शी इज डूइंग फाइन। इट्स इन 3 weeks। ऑल राइट, इट शैल बी अरेंज्ड। डिफेंस मिनिस्टर खुद SFTC की पासिंग आउट परेड के लिए आना चाहती है। POP इज इन 3 weeks टाइम। ब्लडी हेल, लुक्स लाइक वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। हाउ यू फीलिंग नाउ? वेरी वेल सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग सर। RMO की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन आपकी हालत देखकर लगता है कि रिकवर होने में आपको काफी वक्त लगेगा। कैप्टन शर्मा, आप जानती हैं कि दोजख के बाद
कैप्टन सिद्दीक की हैड टू लीव। कैप्टन सुजीन की हालत भी आप जानती हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया वो बड़े जोश, तैयारी और कमिटमेंट के साथ किया है, लेकिन रिकवर होने के बाद सबके साथ कैचअप करना आसान नहीं होगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि एक अच्छे ऑफिसर का फ्यूचर डैमेज हो जाए। अगर आप अभी लौटना चाहें तो आई विल नॉट कंसिडर यू एज अ फेलियर। आई मीन इट। इनफैक्ट अगले साल अगर आप फिर वॉलंटियर करना चाहेंगी तो मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा। बट द फाइनल डिसीजन इज गोइंग टू बी योर्स। कोई ऑफिशियल कंप्लेन लॉज हुई अभी तक? अभी तक तो नहीं, पर क्या पता कंप्लेन दबा दी गई हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्पिन करना बंद करो रमन, साठे ऐसा नहीं कर सकता। बेदी, साठे का कर्नल से ब्रिगेडियर का बोर्ड इस साल ड्यू है। ऐसा एक इंसिडेंट उसके करियर को खत्म कर सकता है। Good morning, sir. Sathe, I called about Dozak. How did it go? The usual, sir. Kuch injuries. Kuch unexpected exits. Anshika? Sir, वैसे तो Dozak के reports confidential होते हैं, but if you are asking me officially, then probably I can... No, it's all right. Sathe, तुम जानते हो, the stakes are really high. So... Just keep me updated. Yes, sir. या तो साठे सच छुपा रहा है या फिर जेन्युइनली वो कुछ नहीं जानता। अब ये दिल्ली में बैठ के गेस वर्क करने का टाइम नहीं है। यू मीन एन अनऑफिशियल इंक्वायरी? एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते है हमारे पास। हमें कोई ऐसा चाहिए जो वहां जाए और सारे फैक्ट्स बिल्कुल अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से चेक करे, कोई ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सके। तुमने इतना सब कुछ सोच लिया है तो ये भी बता दो, ये इन्वेस्टिगेशन कौन लीड करने वाला है? वेल, समवन हुम आई इम्प्लिसिटली ट्रस्ट। ऐसा एक ही ऑफिसर है मेरी नजर में, समवन हु कैन कॉल अ स्पेड, इम्तियाज हुसैन। लिटरली तुम्हारा वो पोकर चैंप? अब इतने कम वक्त में ये काम कोई और कर भी नहीं सकता। हाँ, मैं मानता हूं कि उसके तरीके अलग है, बट यू नो वॉट, 9 times out of 10 दे वर्क। चलो, लेट्स होप फॉर ऑल आवर सेक कि ये वो प्रोवर्बियल 10-10 ना हो। यू ब्लिंक यू लूज। आई नो दैट। मेरा हमेशा याद रखना, इन लाइफ एज वेल एज इन पोकर, अगर जीतना है ना तो फोकस इज ऑलवेज ऑन द आइस। पापा, आप सबसे जीत जाते हो, फिर बच्चे और मामा से कैसे हार जाते हो? बेटा, तू तो चैंप है, और जो तेरी मम्मा है ना वो तुझसे भी बड़ी चैंप है। अरे, आज तक तेरी मम्मा को कोई हरा पाया है क्या? Yeah, coming. आपको पता है मैं हमेशा जीत जाता हूँ और पापा हमेशा हार जाते हैं। चेक के बताओ, How is it? मटन ठीक से गला नहीं है। Come on, Amy. इतने नखरे तो हैदराबाद के नवाबों के भी नहीं होते। अरे, come on, तो मैं उन्हीं की फैमिली से तो हूँ। Really? Shut up, liar. I cross-checked with your buddy अम्मी also. अच्छा? उन्होंने मुझे बताया था दूर दूर तक नवाबों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा। ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ ला के दूंगा। हाँ। हाँ। मुबारक। Dad. Oh, oh, oh.
ईद मुबारक बेटा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। डैड इतना लेट? ऑफिस में थोड़ा सा काम था। क्या लेट, पिछले 4-5 घंटे से तो बिरयानी पक रही है। सर यू हैव कम जस्ट एट द राइट टाइम, प्लीज। अच्छा मलिका, आई नीड टू बोरो योर एक्स हस्बैंड फॉर अ लिटिल व्हाइल, मे आई? श्योर। Sexual assault on Captain Shikha Sharma, the first test case. You can't be serious, sir. I genuinely hope ki ye sach na ho. Par agar hai, to we need to bring the culprit to book. Usse aisi saza milni chahiye ki iske baad koi bhi kuch aisa sochne ki bhi jurat na kare. Language kafi clinical hai. Administration ko admin nahi, ADM likha hai. कमांडर को CDR और कंपनी को कॉल, फौजी एब्रीवेशंस। और ये देखिए सर, टाइम स्टैम्प, सिर्फ फौजी इस तरह की टाइम स्टैम्प को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेल 100% किसी ने SFTC से ही भेजा है। एनीथिंग एल्स? मैंने कैप्टन शिका की फाइल पढ़ी थी जब उन्हें टेस्ट केस के तौर पर चूज किया गया था। शूटिंग चैंपियन है लेकिन काफी इमोशनल भी है, और स्पेशल फोर्सेस में इमोशनल होना खतरे को इनवाइट करना है। सिर्फ 3 हफ्ते है तुम्हारे पास, कोर्स खत्म होने के पहले ये केस रिजॉल्व करना है। रॉजर सर, बिल्कुल विल कंप्लाई। एंड यू? गॉट माय पोकर फेस ऑन सर। सारी पैकिंग आज ही कर दोगी मम्मी? कल शाम की ट्रेन है। स्पेशल फोर्स में जाना है, तैयारी पक्की होनी चाहिए। आपको बड़ा पता है स्पेशल फोर्सेस के बारे में? क्यों, तेरे पापा के साथ इतने साल ना गुजारे मैंने? हाँ, अच्छे अच्छों की हड्डियां चरमरा जाती है। घना मुश्किल कोर्स है बेटा। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे ना साक्षी मलिक कुश्ती लड़ने जा रही हूँ मम्मी। मुझसे ज्यादा तो आपको एक्साइटमेंट है मुझे SF की वर्दी में देखने की। क्यों? वर्दी अपनी जगह है और अहदा अपनी जगह। वर्दी तो पाली तूने, अब अहदा कमाना है। एक बात याद रखना बेटा, यह ऐसा मौका है जो तेरी नानी को ना मिला, तेरी माँ को ना मिला, सिर्फ तुझे मिला है। अब कुछ भी हो जाए छोटी, कभी हार ना मानना बेटा। तू तो सबसे स्पेशल है, तभी तो स्पेशल फोर्स में जा रही है। सो क्यूट माय मम्मी। ये दिन भर गिचपिट अंग्रेजी में बोलती रहती है, एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ता। अब आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो मम्मी, ना मैं हारूंगी, ना आप, ना नानी। और पता है क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हारना नहीं सिखाया। और अगर कभी तू हारी तो तेरी टांगे तोड़ देंगे मैंने।
शिखा, 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 ये तुम क्या कर रही हो? शिखा, you need some more time. Time ही तो नहीं है मेरे पास. मुझे ये कोर्स खत्म करना है. And what about your injuries? और जब कर्नल साठे तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तब तुम क्या करोगे? मेरी इंजरी से तो कहानी भी मेरी होगी. और जो भी मैं कहूंगी वो सबको मानना पड़ेगा. Are you sure about this? Affirmative. और वैसे भी पूरी स्क्वाड अल्फा ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ था. तो कुछ नहीं. रुख हवा का मैं बदल दूं गर तू उड़ान ले. जंग तेरी मैं लड़ूंगी तू बस जीतने की ठान ले. तू बस जीतने की ठान ले. है कौन ही हीरो? दामिनी के सन्नी देवल की तरह इंटरवल के बाद एंट्री मारी है. कर्नल इम्तियाज हुसैन, जनरल रमन का सन इन लॉ, सॉरी एक्स सन इन लॉ. कुछ लोग बड़े इवॉल्व होते हैं यार. हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स के बाद भी अच्छे दोस्त हैं. सारे फेस्टिवल साथ मनाते हैं, फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं. काश यार सारी शादियाँ ऐसी होती. बीवियाँ फेस्टिवल्स के लिए आती और फिर वापस अपने घर चली जाती. पॉइंट ये है बहन जो, ये यहाँ कौन सा फेस्टिवल मनाने आया है? ओए सुरजे, कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और कुछ ऑब्जर्व किए जाते हैं. आई थिंक ये सेकंड कैटेगरी वाला हो सकता है. नया इंस्ट्रक्टर हो? आई डोंट थिंक सो. मॉर्निंग जेंटलमैन, व्हाट डिड आई मिस? अरे तो सियात थे, खुश नहीं हुए मुझे देख के? अरे क्या कह रहे हो मैडम, आप आए बाहर आई. गुड टू सी यू बैक ऑन योर फीट. थैंक्स सुरजे, आई मिस्ड योर जोक्स यार एक्चुअली. और दोजक से डर गए तो आगे जंग में क्या करेंगे? बिल्कुल. गुड टू सी यू कैप्टन शर्मा. थैंक. बस एक ही अफसोस है कि बिलाल को वापस जाना पड़ा. मुझे भी अफसोस है कि मैं उसके जाने से पहले उसे मिल नहीं पाई. Good morning, officers. Lieutenant Colonel Imtiaz Hussain. Good morning. Let's cut to the chase. मैं आपका नया इंस्ट्रक्टर नहीं हूं. In fact, I'm here for a special purpose. Squad Bravo, आप जा सकते हैं. पोकर में कहते हैं, इफ यू कांट रीड योर ओपोनेंट्स कार्ड्स यू बेटर प्ले ओनली विद अ गुड हैंड. कैंप दोजक में ऐसा क्या हुआ था स्क्वाड अल्फा के कैप्टन सिद्दीकी को घर जाना पड़ा और कैप्टन शर्मा को हॉस्पिटल? Somebody? Anybody? Nobody? मैंने आप सबके डीब्रीफ रिपोर्ट्स पढ़े. And according to all your reports, वहां पर कुछ नहीं हुआ था. लेकिन हमें एक anonymous mail आया जिसके मुताबिक वहां कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था. So अब किसे believe किया जाए, एक anonymous mail को या फिर officers of the Indian Army? I think officers of the Indian Army. इसलिए मैं आप सबको एक मौका और देना चाहता to recount what exactly happened. ऐसा कई बार होता है कि एक्शन के दौरान कुछ डिटेल्स स्केची हो जाते हैं. सो इस बार प्लीज अच्छी तरह से याद करके लिखिए प्लीज. लास्ट टाइम आप अपनी डीब्रीफ रिपोर्ट नहीं लिख पाई थी कैप्टन शर्मा. Looking forward to reading your report. Sir.
भाई ऐसा क्या रहता फैला दिया तुम लोगों ने कि खुद सन्नी पाजी आ गए यहाँ गदर मचाने हैं। सुरजी हर बात मजाक नहीं होती हाँ। ब्रावो वालों का नंबर भी आता ही होगा आजकल पता है SF में कितनी सख्ती बढ़ गई है साला हर फेलियर पे कमेटी बैठती है। एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली सुरजे। साले फेलियर होगा तो बैठेगी ना कमेटी। लीडर बोर्ड देख ले फिलहाल तो सारे ब्रावो वाले टॉप गन है। क्या सुरजे फिर से कॉम्बैट इंजरीज हैं ठीक हो जाएंगे। सॉरी कैप्टन शर्मा प्लीज अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। कहीं वो ये ईमेल भेजने के लिए हम में से तो किसी को थैंक यू नहीं कह रही। हम में से ऐसा मेल कोई क्यों भेजेगा। हाँ लेकिन जब डीब्रीफ में सब कुछ लिख ही दिया है तो इस ईमेल में ऐसा क्या था। हमें ये पता है कि हमने डीब्रीफिंग में क्या लिखा है उसने क्या लिखा ये थोड़ी पता है। लेकिन साहब अगर वो रिपोर्ट में लिखी रही थी तो ईमेल क्यों भेजेंगे। ये काम तो किसी और का लगता है। जैसे कौन कोई दोस्त या फिर कोई वेलविशर। वैसे हम में से सबसे अच्छा दोस्त तो उसका बिलाल ही था। नहीं साहब बिलाल साहब ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने वही लिखा जो उनसे कहा गया। कहा नहीं गया था जो हुआ था वही लिखा था। आई होप हम सभी ने वही लिखा था जो हुआ था। बुलशिट इम्तियाज लगता है आपने डीब्रीफ ठीक से पढ़े नहीं है। मैंने सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं सर एंड दे आर ऑल वर्डेड एग्जैक्टली द सेम। एक वर्ड इधर उधर नहीं है। मतलब जो शिखा ने लिखा है वही पूरे स्क्वाड अल्फा ने लिखा है। माय राइट राइट सर। ये सारे SFTC कमांडोज हैं। नींद में भी चीजें याद रखने की ट्रेनिंग है उन्हें। अगर सबने एक ही चीज लिखी है तो फिर यही सच है। और अगर मैं मान भी लूं कि सब झूठ बोल रहे हैं देन व्हाट अबाउट शिखा। वो क्यों झूठ बोल रही है। वही तो हमें पता लगाना है सर। मे बी उसे प्रेशराइज किया जा रहा है टू से दिस और मे बी इट्स ऑल अ कवर अप। लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन आर यू पॉइंटिंग अ फिंगर एट मी। नो सर ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरे लिए हर कोई सस्पेक्ट है और हर वजह जायज है until the truth comes out. This is the truth, Imtiaz. Agar aisa kuch hota, then I would have been the first person to find it out. Sir, with all due respect, either you cooperate with me now or wait for an official investigation. I see.
लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन, यू एंड मी, अस सिटिंग इन माय ऑफिस एंड टॉकिंग अबाउट दिस, ही इज मी कोऑपरेटिंग विद यू. और आपको क्या लगता सच ढूंढना आसान होगा? एसएफटीसी के कमांडोज हैं, अगर इन्होंने डिसाइड किया है कि सच को छुपाएंगे, देन दे विल टेक इट टू देयर ग्रेव्स. कार्डिनल रूल ऑफ पोकर सर, अगर सारे प्लेयर्स ब्लफ कर रहे हों तो स्टेक्स बढ़ा देने चाहिए ताकि सबसे कमजोर प्लेयर सबसे पहले फोल्ड करते हैं. So Bilal had multiple fractures in the leg, sir par ghav aur concussion. Rohan had bruises from falling on the rocks. Aur Vishnu ka right side puri tarah se stiff ho gaya tha. And Shikha? Shikha ka ghav sir ke kaun se side par tha? Sir, it's all in the report, sir. Oh. Yeah. Right side par. Lunch mein kya? Ji. Smells like paratha. Alu paratha. Sir, आप लेंगे? अब आप इतना insist कर रही हैं तो ले लेते हैं, ठीक है? Thank you. देसी घी? Doctors को देसी घी allowed है? अच्छा? कैप्टन श्रीका की इंजरीज को देखकर आपको क्या लगता है? Are these regular combat injuries? Yes, sir. According to the patient, ये combat injuries ही हैं. और sexual assault भी तो हो सकता है. जी, मैंने कहा ना सर, according to the patient, ये combat injuries ही हैं. आप लॉयर हैं डॉक्टर? कैप्टन अपर्णा आप अच्छी तरह से जानती हैं कि किसी के झूठ को एक मिनट में कैसे पकड़ा जा सकता है. दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. Are you sure? कैप्टन शिखा किसी और वजह से बेहोश नहीं हुई थी? Like what, sir? कुछ भी हो सकता. She could be pregnant. Sorry, sir. But why would she be pregnant? There are lots of good-looking men around. एक ही डॉम में रहते हैं. Surely she is not a virgin. Sir, I can't believe you just asked me this question. Relax. These are just routine questions. Sir, आप ये routine questions तब भी करते if she were a man? क्या आप इस question को answer कर पाती if she were a man? Anyway, thank you. शिखा की best quality है that she is loyal. She is loyal to her country. She is loyal to her team. And she is loyal to her boyfriend. ये loyalty बड़ी कमाल की quality है Captain Upper. You know, sometimes when you're loyal to a person, you end up being disloyal to the institution. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. Sir, I have patients waiting. Last question. Captain Shikha ke alawa Squad Alpha ke kisi bhi member par nail marks nahi the. Am I right? अपनी पल्स रेट पर ध्यान दीजिए कैप्टन अपर्णा, काफी तेज है. कैप्टन शिखा शर्मा इज अ बॉयफ्रेंड, स्टडी बॉयफ्रेंड, एन आरएमओ कैप्टन अपर्णा इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग फॉर श्योर. सुनो, रजिस्टर दिखाओ. जी आप साहब, पुलिस स्पेशल ब्रांच. क्या हुआ सर? चार जुलाई शनिवार को रात को 10:01 पर इसी आईपी एड्रेस से ईमेल भेजा गया है, लेकिन उस टाइम किस रजिस्टर में एंट्री नहीं है. अरे बिना किसी आईडी प्रूफ के साइबर कैफे यूज करना कानूनन जुर्म है, पता है ना? वो साहब क्लोजिंग का टाइम होता है, हो जाता है कभी कभी.
कभी कभी नहीं जानबूझकर वही टाइम चूज किया होगा। अरे याद करने की कोशिश करो, पिछले हफ्ते की तो बात है, छोटा शहर है, बहुत ज्यादा लोग नहीं आते होंगे। याद करो कौन था या थी। एक लंबा सा लड़का था, गोरा, मस्कुलर, क्रचेस लेके, मतलब बैसाखी वगैरह लेकर आया होगा। हाँ सब, एक लंबा सा आदमी आया था। लंबा सा? हाँ साहब, लंबा सा, और उसने जैकेट पहना हुआ था, उसके गले में मफलर भी था, बिल्कुल मफलर। हाँ साहब, इस रंग का, लाल रंग का। ये सर, ये तो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। एक काम करो, ये साइबर कैफे भी बंद कर दो। क्या? कहते हैं कि इन वॉर एज इन पोकर, अगर जीतना है तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानना सबसे जरूरी होता है, और आप लोगों ने तो एक दूसरे के साथ दोजख झेला है। लेकिन क्या आप एक दूसरे को वाकई में पहचानते हैं? सो योर टास्क टुडे इज टू राइट डाउन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ योर कोर्समेट्स इन दीज फॉर्म्स। इसके जरिए हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और आप सबके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाएंगे। एंड डोंट वरी, आपके व्यूज कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। सो प्लीज बी ब्रूटल। रेड वांस फॉर स्ट्रेंथ, ब्लू फॉर वीकनेसेस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो धोखा है बॉस, साले ने कहा रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगी और हमें लीक कर दी। ठीक है विष्णु, यू थिंक आई एम हॉर्नी? साले मैं थोड़ा हंसी मजाक क्या कर लेता हूं, तूने ये मेरी रिपोर्ट में लिख दिया। जोक्स ना आपस में अच्छे लगते हैं विष्णु, तुझे पता है दिस विल फक माय एसीआर। सुरजे यार सॉरी, मुझे लगा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मैं जो हूं ना मुंह पर हूं, मैं जो तुम लोगों की तरह नहीं, पता नहीं वहां पर क्या कांड किया है कि वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे ना, उस जेम्स बॉन्ड को आना पड़ा। यू थिंक आई डोंट डिजर्व टू बी हियर? मैं अपने डैड के जनरल होने का फायदा उठा रहा हूँ। स्पेशल फोर्सेस का हर ऑब्स्टिकल मैंने क्लियर किया है, एंड दैट टू विद फ्लाइंग कलर्स, टैंक, नॉट माई डैड। यू गेट इट? टेक। साहब इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ इनिशिएटिव। साहब क्यों? कि मैं जवान है, अफसर नहीं है, आपको लगता है कि मैं अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता? ऐसा नहीं है तेज, और मुझे कुछ बोलने से पहले अपनी रिपोर्ट देखो। व्हाट इज दिस? मनित साहब टीम प्लेयर नहीं है रियली तेज? हाँ साहब, आप सिर्फ आपके मन के करते ही, किसी के नहीं सुनता। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, सब कहते ही है। एक्चुअली यू आर राइट, मुझे लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था लापरवाह। अगर मुझे ठीक से याद है तो तूने दोजक में अपनी मैगजीन घुमा दी थी। पर साहब ये बात सिका साहब से छुपाने के लिए आपने ही तो कहा था ना मुझे। येट बॉयज रिलैक्स, ये इंडियन आर्मी है, यहाँ का एक डेकोरम है। कर्नल साठे हमें टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम इसी तरह रिएक्ट करें, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट। कर्नल साठे नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज हुसैन, ही इज डन इट, और ये आखिरी बार नहीं है। आई हैव अ फीलिंग वो ऐसी गुगली फिर फेंकेंगे हमारी तरफ। Unbelievable इम्तियाज, आपने साइकोलॉजिकल प्रोफाइल रिपोर्ट्स लीक कर दी। मैंने आपको सिर्फ क्लास कंडक्ट करने की परमिशन दी थी और मैंने उनकी क्लास ले ली। इम्तियाज दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, इससे क्लास में दरारें आ सकती हैं। हम यहाँ टीम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की नहीं। सर जो टीम इतनी जल्दी टूट जाए वो स्पेशल फोर्सेज के काबिल ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन? दोजक में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर सिर्फ स्क्वाड अल्फा को है, एंड सर माय गट फीलिंग सेज दैट इवन आरएमओ पर्णा डज नॉट हैव द एंटायर पिक्चर। Imtiaz, you have my full support for the investigation. Lekin army ka bhi ek code of honor hota hai, which is sacrosanct and which is above anything.
I agree with you, sir. But with all due respect, क्या ये कोड ऑफ ऑनर एक लेडी के ऑनर से बढ़कर है? सर कुछ तो हुआ है, और ये मुझे वो बता सकता है जिसने ये ईमेल भेजा है, या फिर खुद कैप्टन शिखा। और इस वक्त दोनों दोनों झूठ बोल रहे हैं। रिपोर्ट्स लुक गुड, प्रोग्रेस भी अच्छी है तुम्हारी। हरियाणा क्यों खून में हमारे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग अपर्णा। शिखा, कर्नल इम्तियाज आए थे मुझसे मिलने। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बट ही हैड सम वेरी डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। Come in, sir? Yes. Sir. At ease. आप सबसे मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं सर, so I thought कि मैं खुद ही आ जाती हूँ। मैं पोकर नहीं खेलती सर, बचपन में गुलेल जलाती थी, and I'm now a shooter। मुझे सीधी बात पसंद है सर। पॉइंट टेकन कैप्टन शर्मा। तो फिर आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती हैं कि सच क्या है? सच यह है सर, दैट आई एम अ बिलीवर। व्हाट डू यू मीन? मेरा फेवरेट गाना है पिंक, हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट कलर। आई एम नॉट अ वर्जिन, आई एम सेक्सुअली एक्टिव, आई हैव अ स्टेडी बॉयफ्रेंड, बट आई एम नॉट प्रोमिस्क्यूअस, और मैं आज तक कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई सर। वेल, मैं इस सब के बारे में नहीं पूछ रहा। ओके, अब बात चली रही है तो आप बता दीजिए। You seem to be very emotional about what's his name, Shivalik. But you didn't even call him after Tosak. आपने तो उसको ये भी नहीं बताया कि आपके साथ क्या हुआ। I really appreciate the fact, sir, कि आपने इतनी मेहनत से मेरे calls और messages के records निकाले। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन tactics से मैं emotional हो जाऊँगी, and I'll crack, it's not gonna happen, sir. मैं आज तक ऐसी lady से नहीं मिला हूँ जो emotional ना हो। औरतें इमोशनल होती हैं सर, पर स्मार्ट भी होती हैं। लाइक योर एक्स वाइफ सर। पार्डन मी सर, बट शायद इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस सर, हैंडपिक्ड आफ्टर रिगरस डीप सिलेक्शन। क्या हुआ सर, आपको इंटेलिजेंट औरतों की आदत नहीं है? इंटेलिजेंट होना एक बात है और दूसरों को बेवकूफ समझना और। यू थिंक आई डोंट नो स्ट्रेटजी क्लास रिपोर्ट्स किसने लीक की थी? आई नो यू हैव फ्रेंड्स इन एमआई। कैप्टन शर्मा, मैं ये जानता हूं कि आपके साथ कुछ हुआ है और आप बदला ले रही हैं रिपोर्ट्स लीक करके। पर इफ यू टेल मी, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है सर। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, शायद वो ईमेल भेजने वाला आपको कुछ बता दे। शायद वो ईमेल आपने ही भेजा। यू मे लीव कैप्टन शर्मा। कर्नल साठे की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, ही लव्स रिवर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल टेस्ट में रेड फॉर्म ब्लू फॉर्म, बॉम्ब टेस्ट में ब्लू वायर रेड वायर। ब्लू मींस एनिमीज, रेड मींस फ्रेंड्स। ब्लू वायर ही काटनी थी कैप्टन शर्मा, लेकिन सबके डीब्रीफ्स कहते हैं कि रेड वायर काटा गया। क्यों? मनित, आई हैव एन इंस्टिंक्ट, इट्स रिवर्स साइकोलॉजी, गो विद द ब्लू। व्हाट अबाउट लॉजिक? मनित, ब्लू, रेड, ब्लू, रेड। राजू, 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 राज
शिखा साहब चलिए गेम हो जाए। आई डोंट प्ले गेम्स यार, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ। वैसे आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो दाद देनी पड़ेगी कैप्टन। मैंने व्हाट डू मीन? बॉम्ब डिफ्यूजल में कौन सी वायर काटी थी, रेड या ब्लू? कैप्टन मनित, रेड या ब्लू? रेड और ब्लू? ब्लू। आपने तो कहा था आपने रेड वायर काटी थी, झूठ क्यों बोला आपने सबसे? ये आपकी टीम स्पिरिट, एक लड़की के सामने आप हारना नहीं चाहते थे। हाँ, आपकी मेल ईगो ये हैंडल नहीं कर पाती। साहब आप तो बोला था कि रेड वायर का था। रेड वायर? हमारे यहाँ भी ब्लू वायर ही सही वायर थी। As my twice, इस तरह का झूठ बोलने के लिए आपके पास जरूर बहुत अच्छा रीजन होगा। Please enlighten us. We're all waiting. I lied for the team. Sorry? For the team? With all due respect, आपने पहले एक गलत डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से we lost a lot of time and we didn't even get our supplies. So after that point, I felt आपके बजाय तो रोहन को हमारा टीम लीडर होना चाहिए। He was the best amongst us, Captain Chika. आप यहाँ के कमांडेंट हैं, आप डिसाइड करेंगे यहाँ किस टीम का लीडर किसे होना चाहिए। मैं अकेला नहीं था, we all thought, even Bilal. And anyway, मैंने रेड वायर काटा है ब्लू, क्या फर्क पड़ता है? The fact is, we were all safe. Isn't that what matters, हाँ guys? ओए, अच्छा तो हमारी टीम भी नहीं था, वरना मैडम तो बड़े प्यार से पूछ रही है। हम ब्रावो वाले ना तेरी कंबल परेड कराते। बच गया तू। अगर आप चाहें तो साठे सर से मेरी कंप्लेंट कर सकती हैं। अबे विष्णु तू भी था ना इसके साथ? तूने भी सच नहीं बोला। Chika, stop please. Chika, listen to me. Chika. Shame on you, man. Why did you do this to me? Navigation exercise में मैं गलत थी, तुम सही थे. But seriously, this? How do you look at yourself in the mirror? I'm really sorry, Chika. It's too late. इतना बड़ा झूठ क्यों? Chika, I'm sorry. And believe me, it's not about you. एक और झूठ, उससे भी बड़ा, जो मैं छुपा रहा हूं। शिखा, माय होल लाइफ इज अ लाइ, आई एम के रेड ब्लू रेड। बच गए। डाई अनदर डे। सीक्रेट्स सबके पास होते हैं कैप्टन विष्णु, कोई जान बचाने के लिए बोलता है तो कोई नौकरी बचाने के लिए। रिमेम्बर द बारटेंडर? सो वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम बैंगलोर। क्या भाई, टाइम फॉर सम कॉकटेल? हाँ, मनित को मेरा सीक्रेट पता था, एंड इफ एनीवन इन द आर्मी कम्स टू नो, मेरा करियर खत्म था शिखा। व्हाइल ग्रोइंग अप आई थॉट इट जस्ट अ पासिंग फेज, और मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की टू फिट इन, टू बी माचो, टू बी अ मैन। फौज तक ज्वाइन कर ली मैंने, बट आई गेस जो मैं हूं मैं वो हूं, एंड एवरी पासिंग डे ये सच छुपाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है शिखा। Please try to understand. I'm really sorry for this. Captain Vishnu Saren, आप 3 साल तक बिहार रेजिमेंट के साथ अटैच थे ना? उनका मोटो क्या है? कर्मी धर्म है। कर्मी धर्म है। दोजक के बाद I was faced with the same dilemma. Exit form sign करूं या अपने कर्म के रास्ते चलूं? You're a decorated officer. स्पेशल फोर्सेस में आपको चुना गया है,
आप में कुछ तो बात होगी। विष्णु, हमारे कर्म हमें डिफाइन करते हैं, नॉट योर सेक्सुअलिटी एंड नॉट माई जेंडर। आप सही थे सर, कैप्टन शर्मा इज अ टफ कुकी। आई एम हार्डली लेफ्ट विद मोर कार्ड्स टू प्ले। मतलब यू फाइनली मेट योर मैच, हाँ? आई एम रियली इंट्रीग्ड सर कि वो ये सब क्यों छुपा रही है, ऐसी क्या वजह हो सकती है? इम्तियाज, डिफेंस मिनिस्टर खुद पीओपी के लिए आ रही है। इनफैक्ट वो चाहती है कि शिका के बाद एक ऑल वुमेन बटालियन को आर्मी में इंडक्ट किया जाए। शिका का केस इंडियन आर्मी के फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। सर, मैंने स्टेल्थ एंड सरप्राइज ट्राई किया बट शिका डिडंट फॉल फॉर इट। आई थिंक अब मुझे कुछ गुरिल्ला टैक्टिक्स ट्राई करनी होगी, समथिंग टू ग्रैब हर बाय द बॉल्स। You have a really complicated relationship with women, don't you? Not really, sir. Kafi straightforward hai. Anyways, Imtiaz, keep me updated. Sure, sir. Hi, Vikram. Yaar, ek favor chahiye. Yeah. The number is 9814. आपको बोला तो है, मैं कुछ बिजी थी पिछले दिन ना, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाई थी। हाँ हाँ, आप बताओ ना बस। हाँ बस ठीक है, पापा बाहर ही गए होंगे। ठीक है चलो, मेरे को जाना है मम्मी अब। हाँ बस आप ख्याल रखो, मैं फिट हूँ। हाँ बिल्कुल, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है चलो, बाय मम्मी, बाय बाय बाय। एकेडमी में जाने के बाद पहली बार शिखा ने मुझे खुद मैसेज करके बुलाया। दोस्त, दिस हैज टू बी परफेक्ट। लकी नाइट ब्रो। यार शिखा, बाकी लड़के किसी थोड़ा है। वन सेकंड, दिस हैज टू बी परफेक्ट। कैंडल्स चेक, म्यूजिक वॉल्यूम परफेक्ट, इट्स लुकिंग गुड। ओ यार, तूने कौन सा ऑयल भेज दिया है? यूकलिप्टस। स्कूल में बताया गया था इसके बाग से पेपर बनता है। पेपर? पेपर नहीं बनता ब्रो, मूड बनता है। 100% सक्सेस है। चल, आई होप सो। वन सेकंड, वेट, लिसन, आई थिंक शी इज हियर। आई वांट कॉल यू बैक। ओके, क्या बचपना है? What's wrong with you? Sorry यार, but decoration तो देखो। Look, अरे light क्यों? Sorry. मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बहुत busy हूँ। फिर क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुमने तो क्या? You said क्या? Are you alright? This is a very bad idea, Shivalik. मैं वापस जा रही हूँ। नमस्ते, please. I've been really worried about you, यार. It's okay, यार. कैसी हो तुम? Very good. ये क्या हुआ सर? कुछ नहीं है. I missed you so much. So good to see you. Stop it, यार Shivalik. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतने दिन बाद मिले हैं। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो क्या? यही है जो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आती है? शिखा, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मुझे लगा तुम भी स्ट्रेस्ड हो, तो जस्ट वांटेड यू टू रिलैक्स, दैट्स इट। इज दिस द ओनली वे टू रिलैक्स? शिखा, इनफ। इनफ ऑफ व्हाट? हम बाहर भी तो मिल सकते हैं ना, कॉफी के लिए, डिनर के लिए। हम क्यों हमेशा ऐसे होटल रूम्स में मिलते रहते हैं? व्हाट डू यू ट्राइंग टू से? दैट योर कैंडल्स, दिस म्यूजिक, योर मसाज ऑयल्स इज Bullshit. It's just a means to an end. तुम्हारे लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, that you get what you want. बाकी whether I want it or not, how do I feel about it, सब बाढ़ में जाए. You will never understand, Shivalik, what I actually go through. तुम्हारा एक comfortable सा 9-to-5 का job है. Weekends में तुम 12-12 बजे तक सोते हो, and you think कि सबकी life ऐसी है? Stop.
is wrong with you? Kuch nahi bologi? You got no business to judge me like this, by the way. Huh? I stood by you throughout everything in your life. Aaj bhi sabko chhod chhad ke tumhara text aaya yahan par aa gaya. Socha maybe I'll bring a smile to your face. Shayad tumhe meri zarurat hai, but no, I was wrong because you are selfish. You're downright selfish. That's right. This relationship is about you. तुम्हे क्या चाहिए? तुम्हारी नीड्स क्या है? कभी मेरे बारे में सोचा है? शिवालिक तुम कैसे हो? काम कैसे चल रहा है? तुम ठीक हो? खुश हो? You know what? You keep this attitude of yours, because I'm leaving. Yeah, get lost. You know, see you. I don't need you anyway. I don't need anybody, Shivalik. Well played, sir. आप हमारे फोन्स हैक करके हमें मैसेजेस तो कर सकते हैं सर, but you can never hack into my brain. Never say never, Captain Sharma. वैसे अगर आप मुझे सीधे सीधे बता दें कि उस दिन क्या हुआ था, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मेरा जवाब वही रहेगा सर, उस दिन कुछ नहीं हुआ था. ज्यादातर डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम भी यही कहते हैं, सीढ़ी से स्लिप होके गिर गई और चोट लग गई और कुछ नहीं हुआ था. My injuries are regular combat injuries, sir. और वो injuries, वो जख्म जिनके बारे में आप बात नहीं कर रही हैं, the wounds on your soul, उनका क्या? Who assaulted you, Captain Sharma? Who made you feel less than an officer? Tell me, answer me. Captain Maneet का झूठ आपने कैसे handle किया देखा मैंने, और अब आप खुद ही झूठ बोल रही हैं. ये double standards क्यों? I never thought कि आप उस type की निकलेंगी. The type that chooses ambition over self-respect. Boss ne thigh pe haath rakh diya, so what? Agla promotion to mera hi hai. Superior at workplace wants to sleep with me. Chalo, koi baat nahi. At least the corner office is mine. Ek politician ki poster girl ban gayi. Desh bhar ki feminist ki champion ban gayi. But you are perfectly fine with sexual assault at workplace. Frankly, Captain Sharma, bada hi convenient kism ka feminism hai aapka. In fact, I would say आप feminist कम और opportunist ज़्यादा हैं। You're absolutely right, sir. मैं उस type की लड़की ही हूँ। Corner office के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, sir. Ambition के आगे sexual assault क्या चीज़ है, sir? I'm here to make history, sir. और कुछ पाने के लिए कुछ sacrifices करनी ही पड़ती हैं, sir. यही सुनना चाहते थे ना आप सर. Now may I leave? Please understand, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. नहीं सर, आप मुझे बचाना चाहते हैं सर. You want to be my hero. पर ये मेरी कहानी है सर, और मेरी कहानी में एक ही हीरो है, मैं. छत्तीस घंटे हो चुके थे, नो वाटर, नो फूड, नो स्लीप. टारगेट हमसे 500 मीटर की दूरी पे था, फिर सडनली मशीन गन्स फायर होने लगी. वी वर टेकन बाय सरप्राइज. Okay? Don't come in.
ललित कब है ललित? मैं बेहोश हो गया और आगे मुझे कुछ दिखा ही नहीं। तो जब आप होश में थे तब की बात करते हैं। आप शिखा के बड़ी रह चुके हैं। हाउ वुड यू से योर रिलेशन विद शिखा? गुड सर, वेरी गुड, फ्रेंडली। जब वो पहले पहले कोर्स में आई थी तो कोई इसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था, एक्सेप्ट फॉर मी। दोजक के दौरान जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता गया, आपकी दोस्ती पर भी इसका कुछ असर पड़ा? सर आप तो जानते हो कि ऐसे सिचुएशंस में डिसएग्रीमेंट्स तो होते रहती हैं। बी स्पेसिफिक बिलाल, क्यों हुआ था आपका डिसएग्रीमेंट? शिखा's नेविगेशन लेड अस द रॉन्ग वे एंड दैट्स व्हाई। टेल मी कैप्टन सिद्दीकी, शिखा को स्क्वाड अल्फा का टीम लीडर बनाया गया, वर यू कंप्लीटली ओके विद दैट? या इनिशियली आई वाज, देन जब ये नेविगेशन का मिसहैप हुआ, आई जस्ट आई फेल्ट कि शायद रोहन इज बेटर सूटेड फॉर द जॉब। मतलब दोस्ती के बावजूद आप भी बाकी लोगों की तरह खुश नहीं थे कि शिखा को टीम लीडर बना दिया गया? क्यों? सर आई जस्ट सेड, इज इट बिकॉज़ शी इज अ वुमन? नो नो सर, नॉट एट ऑल। आई जेन्युइनली फेल्ट दैट रोहन इज बेटर सूटेड फॉर द जॉब। यानी शिखा अच्छी लीडर नहीं है? सर मैंने ऐसे तो नहीं कहा, शिखा बहुत अच्छी है, पर स्क्वाड अल्फा में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा डिजर्व करते हैं। लाइक हु? लाइक मनित, रोहन, शायद मैं। मतलब हर कोई एक्सेप्ट शिखा? सर आई डिडंट से दैट, शिखा इज गुड, इन फैक्ट वेरी गुड। वेरी गुड फॉर अ वुमन, यही कहना चाहते हैं ना? नहीं सर। यू नो कैप्टन बिलाल, शिखा आपकी दोस्त, फर्स्ट लेडी, कमांड, एग्जेम्पलरी इन ऑल हर कोर्सेज सो फार, लेकिन फिर भी आप उसे 100% ट्रस्ट नहीं कर पाए। और तभी जब मनीत ने रेड वायर की जगह ब्लू वायर काटी और झूठ बोला, तो आपने उसका साथ दिया, आप सबने उसका साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक लेडी ऑफिसर को एज अ टीम लीडर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आप बेहोश हो गए, लेकिन आपने और स्क्वाड अल्फा के हर मेंबर ने एग्जैक्टली सेम डीब्रीफ्स लिखे, वर्ड बाय वर्ड। क्या ये सब सम काइंड ऑफ अ ब्रो कोड इन योर बॉयज क्लब? एक्सेप्ट केस की वजह से कैप्टन शर्मा, जिसे आप अपनी दोस्त बुलाते हैं, एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। कैसी दोस्ती है कैप्टन बिलाल, दैट यू डिडंट इवन हैव द बॉल्स टू लुक हर इन द आई एंड से गुड बाय टू हर एज यू लेफ्ट? Fine. आप सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था, तो मैं भी अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि कुछ नहीं हुआ था। शिखा इज नथिंग बट अ मैनिपुलेटिव लायर, और उसे ये कोर्स पास नहीं करना चाहिए। सर शिखा जैसे भी है, शी इज नॉट मैनिपुलेटिव। अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? आई विश मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता सर, आई विश। बट ट्रस्ट मी सर, शिखा से स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। इस वक्त मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो फिर किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? फाइन। कैप्टन शर्मा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेट्स कीप इट सिविल। मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या हुआ? राजपूताना कौन सडनली ठंडा कैसे हो गया? Stealth and surprise, special forces की पहली सीख। Come on, Roman. One more. You know I can take it. Stop! शाबाश शर्मा साहब। Are you okay? Are you fine, Captain Rohan? Are you okay?
मैं जानता हूं कि सच क्या है और मैं ये भी जानता हूं कि आपको पता है कि सच क्या है। पता है कि सच क्या है? Sir, it's not what you think. It is exactly what I think. No, sir, it's... It is exactly what I think. मैं अभी अभी आपके डियरेस्ट फ्रेंड कैप्टन बिलाल से मिलकर आ रहा हूं। Sir, he's an over emotional. Relax, Captain Rata. कैप्टन बिलाल ने कुछ नहीं कहा। अगर कैप्टन बिलाल ने कुछ नहीं कहा तो फिर आप यहाँ कैसे? खुद ही इनवाइट करते हो फिर खुद ही पूछते हो कि आप यहाँ कैसे? मैं जानता हूँ कैप्टन राठौड़ के वो एनोनिमस मेल आपने ही भेजा था। सही साइबर कैफे, सही टाइम, सही मेल, सही रेसिपी। बस एक गलती कर दी आपने। मफलर भी था बिल्कुल। मफलर? हाँ सब इस रंग का, लाल रंग का। ये ब्राइट पिंक मफलर आपकी बेटी ने गिफ्ट किया होगा आपका। Am I right? Frankly, कैप्टन राठौड़, दो घंटे पहले तक आप मेरे लिए एक्यूज नंबर वन थे, लेकिन आपकी क्राव मगा एक्सरसाइज ने आपको बचा लिया। शिखा की इंजरीज लेफ्ट साइड पर हैं, पर आप लेफ्टी हैं। शिखा को किसी राइट हैंडेड बंदे ने असॉल्ट किया है। आई थिंक अब वक्त आ गया कैप्टन राठौड़ कि आप मुझे बता दें कि उस दिन क्या हुआ था। छत्तीस घंटे बढ़ते रहिए बिना कुछ खाए, बिना सोए। रेड ब्लू रेड, उसके ऊपर हमें स्लीपिंग पिल्स दे दिए गए थे। कुछ लोगों को हेलुसिनेशन हो रहे थे और सम जस्ट कुडंट टेक इट। अल्फा वन कम इन। रोहन, रोहन बारिश से आगे किस तरफ से आ रहा है? मूविंग टारगेट है, आगे से हमें चारों तरफ से घेरा गया है। बिलाल रोक के, बिलाल रो, आगे बढ़े। We're losing precious time, man. Bilal, Bilal, Captain Sharma, Bilal is a tough cookie. He will survive this. But agar hum yahi ruke rahenge na, we will never reach the end point. Captain Rohan, take the defensive position. हम बिलाल को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। अगर ये सच में जंग होती, फिर भी आप यही कहती? जंग लॉजिक से जीती जाती है कैप्टन शर्मा, इमोशन से नहीं। कैप्टन बलित, अगर आप बिलाल की जगह होते तो क्या आप भी यही कहते? बिलाल, बिलाल यू ओके? बिलाल आर यू हिट? बिलाल एक बार और, विष्णु साहब ठीक है क्या? नहीं साहब। तेजब जिस रास्ते से आए वहां से फायरिंग आ रहा है क्या? नहीं साहब, रास्ता साफ है। तेजब विष्णु साहब को लेके पीछे को बढ़ेंगे। विल गिव यू कवर, कॉपी। जी साहब। कैप्टन शर्मा, आर यू सजेस्टिंग कि हम वापस लौट जाएं? अगर आप और रोहन मुझे कवर दो तो मैं और तेज बीच में जाके पेरिमीटर एस्टैब्लिश करते हैं। वी नीड दीस पॉइंट्स कैप्टन शर्मा, वी हैव टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, डैम इट। आई विल नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ आवर मेन टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, मनित। साला अपनी कायरता छुपाने के लिए आई विल नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ माय मेन का ड्रामा कर रही हो यहाँ पे? छुपते चूहे हैं कैप्टन शर्मा, मर्द नहीं। मर्द जंग लड़ते हैं, वो भी सिर्फ जीतने के लिए। ओ अमिताभ बच्चन, जिंदा रहेंगे तो जीतेंगे ना जंग। ये सिमुलेशन एक्सरसाइज नहीं है, असली बुलेट्स है। हमारे पास एक ही रास्ता है पीछे का। वी हैव टू रिट्रीट। क्या करें, तुम्हारी तरह यहाँ पे चूड़ियां पहन के बैठ जाए हम? How dare you, Manit? तुम्हें कोई डाउट है अबाउट who's in command here? Are you? Yes, I am. 1950 Army Act, Section 46. Misconduct, desertion, disobedience, use of force. इसके लिए आपको कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। तुम्हारी ये फालतू की माचोगिरी और ईगो ट्रिप में पड़ के मैं अपनी स्क्वाड को खतरे में नहीं डालूंगी Manit। और अगर मुझे अपनी स्क्वाड को बचाने के लिए तुम पे गोली चलानी पड़ी, आई विल फायर। वी हैव टू रिट्रीट एंड दैट इज फाइनल।
Did you understand? सर ये वो मोमेंट था जिसका अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा. Because I was the only one who could have intervened. But I didn't. I chose the wrong side. But believe me, sir, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. Captain Sharma, are you okay? Sharma. Captain Sharma. Shikha, everything's fine. Shikha, you're fine. Shikha, look at me. Shikha, you're fine. What the hell are you doing? Rohan, बात समझ. अगर ये होश में रहती तो हम दोनों पे डिसोबीडियंस का चार्ज लग जाता और हम कभी एसएफ नहीं बन पाते. Now it will be her word against ours and no witness. यहाँ तक आने के लिए we have given up blood and sweat. We cannot let this go. उसके बाद फायरिंग रुक गई बट वी हैड लॉस्ट रेडियो कॉन्टैक्ट. शायद भट्टी साहब को भी पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. स्लिप हो गई थी. शी हिट हर हेड. राठौड़, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने आते ही कर्नल साठे को ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं की? Because it wasn't so simple, sir. बिलाल ने शिखा के साथ मुझे देखा था, मनित को नहीं. मनित सब ब्लेम मुझ पे डाल देता है and it would have just been his word against mine. And I thought शिखा खुद आके कर्नल साठे से मनित की कंप्लेंट करेगी, पर सर उसने कुछ कहा ही नहीं. तो फिर आपने ये एनोनिमस मेल लिखने के बारे में कब सोचा?
आरशी मम्मा को परेशान नहीं कर रहा ना। शाम को मेरी बात मेरी बेटी से हुई सर। मैं शिखा को मिलने मिलिट्री हॉस्पिटल गया, सो उसकी हालत देखी नहीं गई सर। आई कुडंट होल्ड इट सर, आई हैड टू डू समथिंग। मैं शिखा के खिलाफ इतना इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकता था सर। सर ऑल शी इज ऑल्सो फेलो ऑफिसर, शी इज ऑल्सो माई कोर्स मेट। बिलाल शिखा और मेरा दोनों का दोस्त था, फिर भी उसने मुझे चुना। चुप रहा। दो अफसरान, कोर्स की आखिरी दो एक्सरसाइजेस का समय आ गया, यानी कि लीडरशिप बोर्ड में अपनी रैंकिंग्स को बढ़ाने का आखिरी मौका। अब तक के रैंकिंग्स हैं: कैप्टन सुरजेवाला नंबर 5, कैप्टन टैंक नंबर 4, कैप्टन रोन नंबर 3, कैप्टन शिखा नंबर 2 और अव्वल नंबर पे हैं कैप्टन मनित। 90 सेकेंड्स में 10 शॉट्स, 5 शॉट्स असॉल्ट राइफल से और 5 शॉट पिस्टल से। आखिरी शॉट में टारगेट मूविंग होगा, दोनों तरफ 2 पंखे चलेंगे, हवा की गति होगी 10 मील प्रति घंटा। कैप्टन सुरजेवाला, तुसी शुरू करोगे? जरूर साहब। परमिशन हो तो मैं सबसे आखिर में जा सकते हैं। क्यों शर्मा साहब, नंबर 1 पे आने की कोई नई तरकीब है क्या? परमिशन। हेलो कैप्टन शिखा, वो क्राव मागा बाउट के बाद कलाइयाँ दुख रही होंगी, तभी शॉट भी मिस हो गया आपका। इट्स ओके, हैपेंस। क्या है ना कैप्टन मनित, आप क्रॉस कंट्री रनर हैं, यू थिंक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं थोड़ा आगे की सोचती हूँ। इट्स टू डीप, आप नहीं समझेंगे।
Yes, sir. I know, sir. Thank you very much, sir. I really appreciate it. Thank you. क्यों है बापे? खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे दंगल के लास्ट सीन में आमिर खान हुआ था। तुझे याद है मेरा वो वायुस कोर्स वाला पंगा? हाँ, तूने बताया था तेरी वो कोई एक्स गर्लफ्रेंड का सेपा था। निपट गया? कैसे? झूठी कंप्लेंट थी। जुगाड़ू साले। तभी लीडर बोर्ड पे नंबर वन हूँ। नंबर वन। सही है। क्लोज शॉट देयर कैप्टन शर्मा। सर मतलब? मतलब आप सही थी। किस बारे में सर? यही कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं, अपनी कहानी की हीरो आप खुद हैं। मैं जानता हूं वो लास्ट शॉट आपने डेलिबरेटली मिस किया था। फाइनल एक्सरसाइज के दौरान रैंक वन और रैंक थ्री की पेयरिंग होगी, आप ये जानती थी, इसलिए आप नंबर दो से नंबर तीन पर आ गए। मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? मनित ने जो शुरू किया उसे खत्म करने के लिए। मैं सच जान गया हूं। सर मेरा सच ये है कि मैं स्पेशल फोर्सेस में इसलिए हूं बिकॉज आई डिजर्व टू बी इन द स्पेशल फोर्सेस सर। मेरे जेंडर की वजह से या उसके बावजूद नहीं। भौजी की बेटी हूँ सर, एथलीट हूँ, शूटिंग चैंपियन हूँ। बचपन से एक ही सपना देखा है कि बड़ी होके एक दिन ये ओजी वर्दी पहननी है। और कोई भी फ्यूडल, मिसोजिनिस्टिक, क्रिमिनल, अनऑफिसर लाइक आदमी ना तो मेरा ये सपना मुझसे छीन सकता है सर, और ना मेरा सेंस ऑफ जस्टिस। Let's get the bastard. सर मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपने देखा शिखा, सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचो। तुम्हारे बाद यहां दूसरी लेडी ऑफिसर्स भी आएंगी। वी मस्ट सेट एन एग्जांपल फॉर देम। और डिफेंस मिनिस्टर तो डिफेंस मिनिस्टर जिनकी मैं पोस्टर गर्ल हूं सर, आई मे बी हर पोस्टर गर्ल, पर मैं उनके या किसी भी पॉलिटिशियन के हाथ की पपेट नहीं हूं सर। As for all the lady officers, तो मैं उनके लिए भी एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रही हूँ सर। अब तक इंडियन स्पेशल फोर्सेज में लड़कियाँ क्यों इंडक्ट नहीं हुई? The authorities have their reasons and they are valid. This is my only opportunity to prove them wrong. I deserve to die for this country as much as any man. मेरे आगे आने वाली लेडी ऑफिसर्स यहाँ आएंगे बिकॉज वी विल अर्न आवर राइट टू बी हियर। अब अगर इस टेस्ट में मैं फेल हो गई सर, तो हजारों लड़कियों के लिए एक्टिव कॉम्बैट का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा सर। और ऐसा तुम होने नहीं दो। आई एम हैप्पी दैट यू आर लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन फिर भी शिखा, वी मस्ट नेम एंड शेम द बास्टर्ड। आई Not me, sir. 24 साल की सर्विस में पहली बार मैं गलत निकला। इम्तियाज, मुझे उस ऑफिसर का नाम दे दो। He does not deserve the maroon beret. Sometimes to figure out the opponent's game, you have to call all the bets on the table. These are rankings for tomorrow's exercise. Yes. Shikha number 2 से number 3 पर आ गई है, यानी कि final exercise में उसका body भी change हो गया है। God damn it, Captain Manit, I am going to roger that fellow. लेकिन अभी नहीं सर। मतलब? It's my honor. माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसकी हिफाजत करने के लिए मुझे किसी भी आदमी की मदद नहीं चाहिए सर। लेकिन शिखा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी सर, वो अपने आप कन्फेस करेगा। लेकिन शिखा फिर भी प्लीज गिव मी 24 आवर्स।
Just 24 hours. Please. This is absurd, Imtiaz. Manit needs to be thrown out right away. लेकिन सर आप ये मेरी रिपोर्ट के बगैर नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये मत सिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। सिर्फ 24 घंटे सर। शिखा ने मुझसे मांगे हैं और मैं आपसे मांग रहा हूं, प्लीज सर। इन 24 घंटों में आपको मनित का कन्फेशन मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज हुसैन, इन 24 घंटों में इफ मनित कमिट्स अनदर एक्ट ऑफ इनजस्टिस, विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड टर्निंग द सिचुएशन ऑन इट्स हेड? अगर शिखा ही कोई सीवियर कदम उठाती है तो क्या करेंगे हम लोग? सर शिखा इतनी दूर सिर्फ अपने दम पर आई है। डे वन पर आपको उससे कोई उम्मीद नहीं थी, पर आज सर, आज लास्ट डे पर उसे एक चांस देकर देखिए। उसके बाद आपको आपकी कंप्लेंट और कन्फेशन दोनों मिल जाएंगे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू सर। अब वो टेस्ट केस नहीं है सर, इनफैक्ट शी इज द बेस्ट केस। एज अ कमांडेंट मत सोचिए, थिंक लाइक अ सोल्जर सर, एंड शिखा इज अ सोल्जर हु डिजर्व्स हर जस्टिस। हाँ मम्मी, आखिरी मौका है और तने फर्स्ट आना है, नहीं तो टांगे तोड़ दोगी ना। जानती हूँ मम्मी, फर्स्ट का तो पता नहीं, पर जो शुरू किया वो खत्म जरूर करके आऊंगी। पापा तो बाहर ही गए होंगे ना। हाँ बेटा, छोड़ो। छोटी, हम सब तेरे साथ हैं, देखना हमारी छोटी सबसे अच्छा करेगी। एक्सरसाइज के बाद कॉल करती हूँ मम्मी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बाय मम्मी। Going beyond enemy lines is a part and parcel of every special officer's life. Magar, hamesha border paar karke dushman ko marna sirf yahi hamara kaam nahi hota. Kai baar hame hostages rescue bhi karne hote hain. Chahe wo civilians ho, political prisoners ho, ya phir hamare apne fauji ho. Aap logon ka aakhri exercise hostages rescue operation hai. लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज, ऑफिसर्स, इस टास्क को आप दो दो के पेयर्स में करेंगे। आपको बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन के एरिया में एंटर करना है और बिना कोई एमिनेशन यूज किए हॉस्टेज को रेस्क्यू करना है। एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर आपने एमिनेशन यूज किया तो आप डिस्क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। डमी हॉस्टेज इन पांच में से किसी भी लोकेशन पर हो सकते हैं, और इस दौरान अगर आप दुश्मन के निशाने पर आए या आप पकड़े गए तो आप इस एक्सरसाइज से बाहर हो जाएंगे, और अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर पाए तो पॉइंट अल्फा पर रीग्रुप करेंगे। इस टास्क को पूरा करने के लिए हर बड़ी पेयर के पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। याद रखें, आपका असली वेपन है आपका तेज दिमाग और बॉडी। सो गेट रेडी। जस्ट डोंट स्लो मी डाउन कैप्टन शर्मा। Want to finish with a flourish. Don't worry, Captain Manit. You will finish with a flourish. Savdhan. Aap log tayyar hain? Ji Ustad.
मैंने स्पेसिफिकली कहा था नॉट टू स्लो मी डाउन कैप्टन शर्मा। स्लो यू डाउन? मेरी वजह से तो यहाँ खड़ा है तू। पीछे जान किसने बचाई तेरी है? तुम तो आपसे तू तड़ाक पे आ गई। रियली? एक बार जान क्या बचाई है, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती फिरोगी अब? और कोई जानवान नहीं बचाई, आई वॉज हैंडलिंग माई सेल्फ। तुम लड़कियों की तरह बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहा था। तेरे जैसों के सामने वैसे लड़कियां बचाओ बचाओ ही तो चिल्लाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये फौज है, कोई किटी पार्टी नहीं। यहाँ बिचिंग के पॉइंट्स नहीं होते। यू नो दिस इज एग्जैक्टली वाई लड़कियों को एसएफ में इंडक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स नर्सेस तक ठीक है, लेकिन एक्टिव कॉम्बैट तुम लोग के बस की बात नहीं है। पहले आती हो आई लव माई कंट्री का नारा लगाते हुए, पर जब यहाँ पे लगती है ना, तब यू पीपल वॉन्ट कुशी पोस्टिंग्स। फिर क्या है, दो चार साल में शादी, प्रेगनेंसी, फिर हस्बैंड के साथ सेम स्टेशन पोस्टिंग। तुम बच्चे संभालो ना, गन्स हम संभाल लेंगे। सीरियसली, लड़की हो लड़की बन के रहो। डोंट ट्राई टू बी अ मैन, जस्ट डू व्हाट योर बेस्ट हार्ट। व्हिच इज व्हाट? तेरे जैसे आदमी को मर्द बनाना? क्या मतलब है तेरे जैसे आदमी? आदमी तो तू है, मर्द तो नहीं है। मर्दानगी भूल गई? नहीं, बस ऑफिसर होने का फायदा क्या तेरा? धेले भर की अकल नहीं है, काबिलियत नहीं है, जाहिलों जैसी हरकतें हैं। कहाँ से आती है तुझ में इतनी एरोगेंस? बता ना, जस्ट बिकॉज यू वर बॉर्न। इज़न्ट दैट व्हाई यू डिडन्ट कंप्लेन? क्यों नहीं की थी कंप्लेन? फट गई थी, शर्म आ रही थी, बात फैल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे करियर का क्या होगा, टेस्ट केस फेल हो जाएगा। यही रीजन था ना कैप्टन शिखा शर्मा? या बात कुछ और है? मे बी यू एंजॉयड हैविंग मी ऑन टॉप ऑफ यू। आई फेल्ट दैट। तभी तो आज मौका मिलता ही यहां रुक गई। देख, अभी टास्क खत्म होने में थोड़ा टाइम बाकी है। You want me to finish what we started? I know you like it rough. मुझे पता था तू जरूर दोबारा ऐसा कुछ करेगा। मैं डर गया, मैं डर गया। सिमुलेशन एक्सरसाइज है कैप्टन जी का, बुलेट्स लग लिए, चल नीचे कर। ये वाले असली हैं। शिखा, come on, गन नीचे कर। बोलना, क्या बोल रहा था? शिखा, क्या कर रही हो? गन चल जाएगी यार। हाँ? What does this mean, Shikha? This means that you act. And you know what? I will finish what you started. Shikha, listen to me. गलती हो गई पिछली बार, ट्रिगर नहीं दबाया, इस बार ये गलती नहीं होगी मनीत। Shikha, listen, easy. देखो, तुम्हारा सपना नहीं है सिर्फ, तुम्हारी मॉम का भी सपना ही है। Easy. चुप कर! तुम्हारे ब्रदर ने सुसाइड किया था शिखा, जब वो ये सपना पूरा नहीं कर पाया था। तुम्हें मौका मिला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद तुम्हें चुना इतनी लड़कियों में से। शिखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पीछे हट। शिखा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा हाथ पीछे है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जस्ट लिसन टू मी, लुक एट मी। अगर तुमने ये ट्रिगर दबा दिया शिखा, यू विल एंड अप इन जेल, सब खत्म हो जाएगा शिखा। चुप कर! तुम गोली थोड़ी ना मार सकती हो शिखा। मैं चुप कर। Stupid emotional woman, साला अपनी गन तो संभलती नहीं, तू गोली मारेगी, क्या गोली मारेगी? तेरे को तेरी औकात दिखा, तू साली हिलना मत यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बुलेट असली नहीं है? हाँ, तुझे क्या लगा मैं तेरे पूरी जिंदगी बर्बाद करूंगा? देख क्या रहा है, हरियाणा की हूं, गालियां देना मुझे भी आता है। हाथ में देख क्या है तेरे, देखना, देख मेरी गन और उस पर फिंगरप्रिंट तेरे हैं। अब इधर देख,
ये देख कैमरा। क्राइम का कन्फेशन है तेरा और तूने फेलो ऑफिसर पे गोली चलाई, समझ रहा है इसकी इंप्लिकेशन? ओ कि सारे सेक्शन तुझे समझाऊं, स्पेशल फोर्सेस छोड़ तू तो पांच से भी गया। Rot in jail and I'll make sure of that, Manit. अबे, she can handle this. दोसा भूल गई क्या? Deserves it. नहीं भूली मैं दोजक मनन, तरस गई मैं इस दिन को। मैंने जानबूझ के अपनी रैंकिंग 2 से 3 पे लाई ताकि तू अकेला मेरे हाथ लगे। और मैं गिन गिन के अपना हिसाब चुकता करूं तेरे साथ। इंटर ब्रांच क्यों? तेरा सारा बायोडेटा है मेरे पास। गर्लफ्रेंड को भी पीटता था ना तू? तुझे पता है मैं अब तक चुप क्यों रही? क्योंकि मुझे इस मौके का इंतजार था कि कब तू मेरे हाथ लगे और तुझे ऐसा सबक सिखाऊं कि तू या तेरे जैसा कोई भी आदमी कभी ऐसा सोचने की जरूरत भी ना करे। The army's job is to protect. अपने देश को, अपने देश के values को, उसके freedoms को, उसके citizens को। The army's job is to protect both its men and its women. Captain Manit जैसी घटिया सोच uniform के नाम पे थप्पा है और ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जब जब कोई भी आर्मी के कोड ऑफ ऑनर को तोड़ता है, आर्मी उसे ऐसा सबक सिखाती है कि फिर कोई ऐसा कुछ सोचने की भी हिम्मत न करे।
लेकिन देयर ऑलवेज विल बी अ बैड एप्पल अमंगस्ट द गुड वंस बट देयर ऑलवेज विल बी अ न्यू बिगिनिंग एज वेल. कैप्टन शिखा शर्मा, यू आर राइट. कर्म ही धर्म है. आई नीड टू गो. यहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है. दुनिया बदल रही है विष्णु. देखो आज मैं एसएफ में हूं, कल को इनको तुम्हारे लिए भी दरवाजे खोलने पड़ेंगे. तब तक के लिए खुद से ही सच बोल लेता हूं. Rest is up to them to decide. I salute you, Captain Surin. आपको लगता है कि आप इस मरून बेरे के काबिल हैं? Yes, sir. मुझे भी लगता है. You are elite of the elites, and I'm so proud to pronounce this honor upon you. दोजख, जहन्नुम, हेल, आज के बाद आपके लिए खत्म है. लेकिन आज के बाद आपके देश के लिए आपकी जवाबदेही नए सिरे से शुरू हो जाएगी. समंदर में, धरती पर, आसमान में, आपसे ऊंचा या फिर आपसे आगे और कोई नहीं होगा. Very proud of her. Should be. हमने हमेशा सुना है कि औरतें स्पेशल फोर्सेस के लिए तैयार नहीं हैं. गलत है. औरतें तो हमेशा से ही स्पेशल फोर्सेस के लिए तैयार थीं. अब स्पेशल फोर्सेस औरतों के लिए तैयार है. और आज कैप्टन शिखा शर्मा ने यह प्रूव कर दिया है. शी हैज टॉप्ड हर कोर्स. और ये तो बस शुरुआत है. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि देशभक्ति जेंडर पूछकर नहीं आती. अब मैं कर्नल साठे से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एसएफटीसी का प्रतिष्ठित कमांडो डैगर कैप्टन शर्मा को प्रमाणित करें. मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है. रग रग में इंडिया, मेरी जिंदगी का मकसद तो इस मुल्क की हिफाजत है. रग रग में इंडिया, कमजोर मैं नहीं, किसी से कम भी नहीं. मर जाऊं मैं अगर गम नहीं है. गुरूर कहने में मेरी जात रंगे में, मेरी रग रग में इंडिया, मेरी रग
बोला था ना पापे, कुड़ी में दम है। जीतने की ठान ले, तू बस जीतने की ठान ले।